यशोमति नंदन ब्रजवर सो आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे तो भक्ति योग काफ़ी सरल है, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई ज़्यादातर बड़ी ऑस्टेरिटी नहीं है। सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी क्या कर लेते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी करते हैं या कभी चतुर्मास या पुरुषोत्तम मास, और भगवान का भजन, जप, प्रसाद, भक्तों का संग, सब कुछ बड़ा ही सरल है। लेकिन क्या कठिन है भक्ति मार्ग में, वो है वैष्णव के साथ में डीलिंग। जो वैष्णव के साथ में हमारा परस्पर व्यवहार है उस पर हमें बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे भक्ति जीवन को डिफाइन करती है। हम आगे जाएंगे कि नीचे जाएंगे, कि हमारा पतन होगा, क्या होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी ज़्यादातर जोर दिया है वैष्णव संबंध कैसे होने चाहिए उसके ऊपर में। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो छोटा सा जीवन काल था, वे ज़्यादा समय तक नहीं थे, 48 ईयर्स तक थे। उसमें से 24 साल तो नवद्वीप में बिताया उन्होंने, फिर बाद में संन्यास लिया, फिर वे जगन्नाथ पुरी गए, वहाँ से फिर दक्षिण भारत, फिर वाराणसी गए, उसके बाद फिर वृंदावन गए। तो करीबन 6 साल तक वे जो है घूमते रहे, लेकिन बाकी के 18 साल वे जगन्नाथ पुरी में थे। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि चैतन्य महाप्रभु 24 साल तक तो गृहस्थ लीला किए, बच्चों की मतलब यौवन लीला किए, वो सब ठीक है। 6 साल जब उन्होंने दक्षिण भारत की, वृंदावन की और अन्य यात्राएं जब की, तब हरिनाम संकीर्तन जिसका वो प्रचार करने आए थे, युग धर्म, वो युग पुरुष, वो जो युग अवतार है, हरिनाम संकीर्तन फैलाने के लिए जो वो आए थे, वो काम तो वो 6 साल जो वो यात्रा कर रहे थे उसमें बढ़िया चल रहा था। क्योंकि वे जहाँ जाते लोग कृष्णमयी हो जाते हैं, उनकी कथा सुनकर, उनका हरिनाम संकीर्तन सुन के लोग मुग्ध हो जाते थे और वे भक्त बन जाते थे। केवल उनको देखने मात्र से, उनको सुनने मात्र से, उनको छूने मात्र से, तो उनकी धूल छूने, उनके चरणों की धूल छूने मात्र से। तो जब इतना सुंदर प्रचार चल रहा था, तब चैतन्य महाप्रभु रुक क्यों गए? वे तो कंटिन्यू कर सकते थे, और भी आने वाले 18 साल पूरी में नहीं रह के वे विभिन्न प्रदेशों में जाके हरिनाम का प्रचार कर सकते थे। लेकिन केवल 6 साल वे घूमे हैं और उनके बाद वे पूरी में सेटल हो गए, जगन्नाथ पुरी से वे हटे नहीं। उसका मतलब क्या है, क्या क्या संदेश वो देना चाहते थे पूरी में रह के? उसका मतलब चैतन्य महाप्रभु हमें ये संदेश देना चाह रहे थे कि ठीक है, हरि नाम तो ठीक है, लेकिन हरि नाम ठीक से करना है तो परस्पर वैष्णवों का व्यवहार बढ़िया रहना चाहिए। तो इसीलिए वो जो 6 साल उन्होंने हरि नाम दिया है, बाकी के 18 साल हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा व्यवहार, हमारा चलन, हमारा बोलना कैसा होना चाहिए, उस पर उन्होंने जोर दिया है। तो इसलिए आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में विभिन्न लीलाएं हैं अलग अलग भक्तों के साथ में, वैष्णव एटिकेट के बारे में, वैष्णव सदाचार के बारे में। तो इसलिए ये जो डिस्पोजिशन है, हमारे जो मन है उसका क्या है, तापमान कैसा होना चाहिए, तभी भगवान का नाम हम ले सकते हैं। मैं अक्सर ये उदाहरण देती हूँ कि जिस तरह से आइसक्रीम को अगर आप बाहर निकालोगे तो गल जाएगा, उसको फ्रिज में रखोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसे एक तापमान चाहिए। उसी तरह से भक्ति, हरिनाम, संकीर्तन, इसके लिए मन का एक सही तापमान चाहिए। अगर वो सही तापमान नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारा जप छूट जाएगा। और वो सही तापमान है सदाचार, वैष्णवों के साथ परस्पर सदाचार। अगर उसमें कुछ भी त्रुटि होती है तो हमारी भक्ति गल जाती है। तो इसीलिए आज हम जो है विशेषतर बात करेंगे वैष्णव अपराध क्या है, अलग अलग प्रकार के अपराध क्या होते हैं, वैष्णव अपराध करने से क्या होता है, वैष्णव अपराध अगर कर चुके हैं तो क्या करना है। तो उस सारे विषयों पे जो है आज हम संक्षिप्त में बात करने की कोशिश करेंगे। तो अपराध तो कई प्रकार के है, सेवा अपराध है, नाम अपराध है, जन अपराध है,
क्या है, विग्रह अपराध है, गुरु अपराध है, ऐसे तो अलग अलग अपराध है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव माने जो भगवान विष्णु के भक्त है, कार्ष्ण माने जो भगवान कृष्ण के भक्त है। तो यहाँ पे विष्णु मतलब हम सारे वैष्णवों को, जो राधा रानी के, कृष्ण के जो भक्त हैं, उन सबको संबोधन करके कह रहे हैं। तो वैष्णव अपराध जो है सबसे बड़ा अपराध है। अपराध की व्याख्या ही बहुत सुंदर की है आचार्यों ने, अपराध जिसमें राधा नहीं है, माने जब हमारी हमारी साधना में से राधा रानी सब्ट्रैक्ट हो जाती, अपराधा, जहाँ राधा नहीं है उसे कहते हैं अपराध। उसका मतलब जब हमारे परस्पर वैष्णवों के साथ में संबंध ठीक नहीं है, जब हमारा आचार वैष्णवों के साथ ठीक नहीं है, तो राधा रानी भी हमारे हमारे साथ वास नहीं करती है, वो हमारी साधना से खुश नहीं होती है, वो प्रसन्न नहीं होती है, वो स्वीकार नहीं करती है हमारे साधना को। उसका मतलब राधा रानी बाहर हो जाती है, अपराध। इंग्लिश में कहा जाए तो अफेंस कहते हैं। अफेंस मतलब जब आप भक्ति के फेंस से बाहर बाहर आप खुद चुके हो, यू आर नॉट इन द फेंस। आप भगवान के जो नरसिंह कवच है, भगवान के जो सुरक्षा कवच है, वो कवच से आप बाहर निकल गए हो, वो फेंस से आप बाहर निकल गए हो जब आपने अफेंस किया है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है, तब भगवान उसकी रक्षा और नहीं करते हैं, वो भगवान के नज़रों में गिर जाता है, भगवान उसे पसंद नहीं करते, तो वो सीधा क्या है, अफेंस, फेंस के बाहर गिर जाता है। और अगर हम एक जप भी करते भी रहे, हमारी साधना भी हम करते रहे, प्रसाद लेते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, और साथ साथ में वैष्णव अपराध करते रहेंगे, तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जिस तरह से अगर कोई वाहन चालक एक साथ में एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों दबाता है, तो गाड़ी वहीं की वहीं रह जाती है। अगर कितनी भी जोर से एक्सीलेटर दबाए, लेकिन अगर ब्रेक पे पैर है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल इंजन चालू है, लेकिन गाड़ी तो आगे नहीं जा रही है। तो इसीलिए हम देखते हैं भक्ति जीवन में भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से भक्ति में है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर तो दबा रहे हैं 16 से 20, 20 से शायद 30 राउंड तक भी चले गए, शायद रेगुलर साधना भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेक पे पैर रखे हुए हैं, मतलब वैष्णव अपराध करते हैं। कैसे करते हैं अपराध, स्कंद पुराण में कहते हैं अपराध अलग अलग प्रकार के हैं, और कुछ कुछ तो हम अनकॉन्शियसली कर देते, क्योंकि हमें ज्ञान भी नहीं है कि उसे अपराध माना जाता है। तो स्कंद पुराण में कहते हैं 6 प्रकार के अपराध है। जब आप किसी भक्त को देखो और आप स्माइल नहीं करोगे, मतलब आपको आनंद नहीं होगा उस भक्त को देख के, तो वो अपराध है। मैंने जब पहली बार ये पढ़ा था, तो मुझे मतलब 2-3 दिन तो ना, मतलब मेरी एकदम गाल में दर्द हो गया, उतना स्माइल करने लगी, मुझे तो मतलब डर लग गया कि अरे बाप रे, मतलब सबको देख के, किसी भी वैष्णव को आप देखोगे तो आनंद एकदम, और अगर वैष्णव को देख के आपको आनंद नहीं है, तो स्कंद पुराण में कहते वो अपराध है। वैष्णव की निंदा अपराध है। वैष्णव को मार देना, तो अब कोई पूछेगा मैंने तो किसी को नहीं मारा आज तक, उसका मतलब ये अपराध मैंने नहीं किया। नहीं, एक तो फिजिकल मारना है कि आप किसी को मार डालो, लेकिन जो पूजनीय है, जो भक्त पूजनीय है, जो वरिष्ठ भक्त पूजनीय है, और अगर हमें उनका सही सम्मान नहीं करते, तो वो भी मारना ही हुआ। महाभारत में कहते हैं कि पूजनीय लोगों को अगर आप मारना चाहते हो, तो चाकू की ज़रूरत नहीं है, तलवार की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उनका सम्मान नहीं करते हो, तो उनको मारने के बराबर है। तो उसका मतलब अगर हम भक्त का सम्मान नहीं करते तो भी अपराध है, उनकी निंदा करते तो भी अपराध है, उनको देख के खुश नहीं होते तो भी अपराध है, और दूसरा उनकी तरफ ईर्ष्या ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो अपराध है, उन्हें गुस्सा दिखाते हैं तो अपराध है, और उनको प्रणाम अगर नहीं करते हैं, अगर हम भक्तों को देखते हैं और साथ ही साथ अगर हम प्रणाम नहीं करते तो अपराध है। इनफैक्ट बहुत सुंदर एक कोट मैंने इसमें से ढूंढा, स्कंद पुराण से, द्वारका महात्य प्रहलाद संहिता के सेक्शन में, तो वहाँ पे कहा है कि अगर कोई वैष्णव को देख के उसका मान नहीं करता, तो भगवान कहते हैं कि मैं 100 जन्म तक उसकी जो पूजा है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। 100 जन्म
जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा अरे बाप रे, 100 जन्म तक अगर वो पूजा भी करे तो भगवान बोलते मैं स्वीकार नहीं करता अगर वो वैष्णव को सम्मान नहीं करता। उसी स्कंद पुराण में मार्कंडेय ऋषि और भगीरथ का एक वार्तालाप है और उसमें मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि अगर दूर से किसी वैष्णव को हमने देखा और हमने साथ ही साथ जाके हरे कृष्णा या उनको प्रणाम नहीं किया तो भगवान कहते हैं कि 12 साल तक हमारी की हुई पूजा तपस्या जप सब वृथा हो गया, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते भगवान 12 साल। अरे यहाँ एक दिन की 16 माला इतनी कष्ट से हो रही है, 12 साल तक किया हुआ सब पानी में है, तो कितना हमें मतलब केयरफुल रहना चाहिए। विष्णु पुराण में कहते हैं कि सत धनु नाम का एक भक्त था, बहुत ही बढ़िया भक्त, माने साधना में जप में हर चीज़ में उत्तम, लेकिन उसने एक दिन ऐसा हो गया कि कोई वैष्णव की निंदा कर रहा था और वो 2 मिनट तक वहाँ खड़ा रह गया, शायद कुछ और उसके मन में चल रहा था लेकिन हवा से तो वो वैष्णव की निंदा उसके कान में गई, तो इसलिए उसको दूसरे जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। तो ये सारी बातें जब हम सुनते तो हमें डर लगता है कि अरे बाप रे, इतना सुंदर भक्त, साधना की, सब कुछ ठीक से किया, लेकिन गलती से उस जगह में वो खड़ा था जहाँ वैष्णव निंदा हो रही थी और आने वाले जन्म में उसे कुत्ते का जन्म मिला। तो हम देखते हैं इवन हरिदास ठाकुर का, उनको पूर्व जन्म में जो है ब्रह्मा थे वे, और या तो कहते हैं ना, उसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे गलती से किसी की भक्त की निंदा सुन ली थी तो फिर उन्हें जो है हरिदास ठाकुर का जन्म लेना पड़ा। तो उस तरह से हम जब ये सारी बातें सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि वैष्णव अपराध से हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए। इनफैक्ट चैतन्य भागवत के मध्य लीला में आपके चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 213 इतना होप गिविंग है, अगर आप ये वर्स देखो 213 और 214 वृंदावन दास ठाकुर की लिखी गए चैतन्य भागवत में, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, गौरांग ने दोनों हाथ अपने ऊपर में उठा के ये वादा करते हैं कि अगर कोई वैष्णव निंदा नहीं करता तो केवल एक बार अगर वो कृष्ण का नाम बोले तो सत्य सत्य, चैतन्य महाप्रभु 2 बार कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ मैं उसका उद्धार कर दूंगा। तो ये इतनी होप गिविंग है कि उसका मतलब एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना सिंपल है। ये जो हमको वैष्णव अपराध करने की ये जो हमारी बुरी आदत है उसके वजह से हम जो है क्या बोलते हैं, इस भौतिक जगत में रह जाते हैं, अदरवाइज तो बहुत सिंपल, मतलब यहाँ ना 16 माला कहाँ है, ना 1008 नाम कहाँ है, ना 108, कुछ भी नहीं, बस इतना ही कहा एक बार कृष्ण नाम लेगा ना तो भी मैं उसे तार दूंगा, लेकिन शर्त क्या है, अनिंदक अनिंदक, कभी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी आसान है, ये जो रोज़ की जो 16 माला से, ये तो बहुत सिंपल है, बस इतना ही करना है कि वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि हरि नाम, अगर आप कुछ पाप करते हो तो हरि नाम करोगे तो उस पाप से आप मुक्त हो जाओगे। इनफैक्ट हमारी सुबह की साधना में हम क्या करते हैं, यानी 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 कानी चा पापानी ब्रह्म हत्या, क्या कहते हैं, जो तुलसी महारानी की परिक्रमा जो करते हैं, क्या होता है, ब्रह्म हत्या से भी वो विमुक्त हो जाएंगे। और ऐसे विभिन्न इतने सारे शास्त्र में श्लोक है कि भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि किसी ने ब्रह्म हत्या की है, किसी ने कोई क्या कहते हैं गलत काम किया है, 4 नियमों का उल्लंघन किया है, तो भी अगर वे भगवान का नाम लेंगे तो उस पाप से मुक्त होंगे। लेकिन कहीं भी कोई भी शास्त्र में अपराध से मुक्त होने का कोई सोल्यूशन नहीं बताया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर यही कहते हैं कि कितना खतरनाक है अपराध करना। अब कई भक्तों को पाप और अपराध में कंफ्यूज हो जाता है कि है क्या चीज़। पाप माने कुछ गलत काम करना, जैसे कि कोई 4 नियमों का उल्लंघन करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, अभद्र स्त्री संग करता है, जुआ खेलता है,
झूठ बोलता है, कुछ चोरी करता है, ये जो सारे गलत काम है इसे पाप कहते हैं। अपराध माने किसी वैष्णव के ऊपर में अपराध करना, जैसे अभी हमने बताया 6 प्रकार के अपराध, तो ये अपराध है, ये पाप है। पाप से मुक्ति हो सकती है, अपराध से मुक्ति नहीं होती है, इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए, हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, पाप से लाखों गुना खतरनाक है अपराध, लाखों गुना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम, तो हमें कितना कितना केयरफुल रहना चाहिए। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितनी सारी लीलाएं बता बता के जो है हमें वैष्णव अपराध के क्या कहते हैं ना, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वे कितनी सुंदर तरीके से हमें लीलाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा कितनी सुंदर तरीक़े से समझाते हैं। तो आज हम थोड़ी लीलाएं लेंगे चैतन्य चरितामृतम से, जहां हम देखते हैं कि कैसे वैष्णव अपराध हुआ है उधर और किस तरह से जो है उसका फल मिला है। जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जो है वे चैतन्य महाप्रभु से 35 साल बड़े थे, 35 ईयर्स बड़े थे, और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने से पहले से ही वे हरिनाम का जप करते थे। तो वे बेनापोल नाम के एक गांव में रहते थे और जो अभी बांग्लादेश में है, और वे भगवान का नाम जप करते थे। उनका जन्म यावन एक मुस्लिम परिवार में होने के बावजूद वे भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। तो उस गांव के जो जमींदार थे रामचंद्र खान, वो थोड़े से ईर्ष्या करने लगे हरिदास ठाकुर के ऊपर में, जब उन्होंने देखा, क्योंकि जमींदार माने थोड़ा सा राजा जैसे जो है, नवाब हुसैन के लिए वे काम करते थे, तो सारे उनको मान दे तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन अब उन्होंने देखा कि सब हरिदास ठाकुर को मान देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली अपराध होता क्यों है? अपराध होता है ईर्ष्या से, अपराध होता है भय से, अपराध होता है अज्ञान से। जब हमें किसी पे ईर्ष्या होती है, कोई हमसे अच्छा है, कोई हमसे बेहतर करता है, तो हमें ईर्ष्या होती है, उससे फिर हम अपराध कर बैठते हैं। कभी कभी भय से अपराध करते हैं, ये मुझसे आगे ना चला जाए, और कभी कभी अज्ञानता से, शायद हमें पता नहीं है और हम कुछ गलत कर बैठते हैं किसी भक्त के। और तो यहाँ क्या होता है, रामचंद्र खान, उसे बहुत बुरा लगता है कि सब मुझे मान नहीं दे रहे और इसे मान दे रहे हैं। तो पहले तो वो केवल एक फीलिंग थी, मन की फीलिंग, लेकिन धीरे धीरे वो फीलिंग जो है कैंसर की तरह, जिस तरह से कैंसर का रोग होता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है, अगर फर्स्ट स्टेज कैंसर में डिटेक्ट नहीं हुआ तो बस सीधा फिर थर्ड फोर्थ स्टेज तक चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से ये वैष्णव अपराध भी अगर हमें चेक करना है तो हम देख सकते हैं हम कौन से स्टेज में है, क्योंकि पहले पहले फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है केवल आपको ईर्ष्या होती है किसी भक्त के तरफ। दूसरा स्टेज में ऐसा होता है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम सोचते कैसे टॉपिक चेंज करें, कुछ और बात करें, मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि हमें उस पर ईर्ष्या हो रही है। फिर धीरे धीरे थर्ड स्टेज में ऐसा होता है अगर उसका कुछ बुरा होता है तो अच्छा लगता है, अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। और फिर धीरे धीरे स्टेज आगे बढ़ता है, तब क्या होता है, हम उसका बुरा हो ऐसी मन में कामना करना भी शुरू कर देते हैं कि उसका कुछ बुरा होना चाहिए। और फिर लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर जो है, ये वैष्णव अपराध का कैंसर में क्या होता है कि हम प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे उसका बुरा हो, कुछ तो उसका बुरा होना चाहिए, मैं ऐसा करूँगा तो उसका बुरा होगा। तो ये अलग अलग स्टेज से जो है हम गुजरते हैं। तो रामचंद्र खान, पहले तो उसको अच्छा नहीं लगता था, लोग उसके बारे में प्रेज करते थे, तो लेकिन धीरे धीरे उसका कैंसर बढ़ता गया, और फिर एक दिन उसको ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि उसका पतन हो जाए और लोग उसको जो है और सम्मान ना दे। तो फिर उसे ख्याल आया कि एक काम करता हूँ, वो अपने आप को बड़ा भक्त मानता है, एक वेश्या को भेजूँगा उसके पास। तो फिर लक्ष्य हीरा नाम की वेश्या को हरिदास ठाकुर के पास भेजता है। अब ये लक्ष्य हीरा जो है ये हरिदास ठाकुर के पास जाती है। अब सबसे पहले लक्ष्य हीरा क्या करती है, जैसे उन दिनों में जो भारतीय कल्चर जो है, हरिदास ठाकुर की जो गुफा थी जिसमें वे हरिनाम करते थे, उसके सामने छोटा सा तुलसी का पौधा था, और हरिदास ठाकुर रोज़ उस पौधे में पानी देते, 3 बार परिक्रमा करते और बैठ के जप करते थे।
3 लाख नाम लेते थे, 1 लाख नाम जोर से बोलते थे, सब प्राणी सुन सके, सबका उद्धार हो, 1 लाख नाम मन में कहते थे और 1 लाख नाम धीरे से बोलते थे, केवल वे खुद सुन सके, तो 3 लाख नाम का जप करते थे। तो अब ऐसा हुआ, जब लक्ष्य हीरा आई है उधर, तुलसी का पौधा देख के उसने प्रणाम कर दिया। अब प्रणाम करने से क्या हुआ, क्योंकि हरिदास ठाकुर रोज़ वहाँ पे परिक्रमा करते थे तुलसी की, उनके चरण की धूली थी उधर, तो वो चरण की धूली लक्ष्य हीरा के सिर पे लग गई। तो अब क्या होता है, भक्त की धूली चैतन्य चरितामृत में आता है ना, भक्त पाद धूलियार भक्त पाद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त पाद धूली, भक्त के पाद पद्म को धोया हुआ जो पानी होता है, भक्त के पाद पद्म को छुया हुआ जो धूल होती है, और भक्त की खाया हुआ प्रसाद जो उत्तिष्ट होता है, जो वो तीन महाबल, अगर कोई उसे स्वीकार करता है तो भक्ति में एकदम तेजी से आगे बढ़ जाता है। तो अब क्या हुआ, दो चीज़ हो गई, एक तो दर्शने पवित्र करो, जो वैष्णव ठाकुर होता है, आपने नरोत्तम दास ठाकुर का जो ये भजन है क्या है, गंगा र परस होइले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। जो गंगा से अगर कोई पवित्र होना चाहता है तो गंगा 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 ऐसा बोलने से पवित्र नहीं होंगे, आपको जाना पड़ेगा हरिद्वार, गंगा में नहाना पड़ेगा, तब जाके आपके पाप धुलते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जो वैष्णव है वे इतने पावरफुल है, केवल उनको देखने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लक्ष्य हीरा ने हरिदास ठाकुर को देखा और उनकी धूल जो है अननोइंगली उनके सिर पे लग गई। तो वो हरिदास ठाकुर को अप्रोच करती है कि मैं जो है आपके साथ संग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरा जप बाकी है, मेरा जप खत्म होने के बाद मैं ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। रात भर वो जप करते रहे, सुबह जब सूर्य जब उग गया तो फिर सब जगह उजाला हो गया, तो लक्ष्य हीरा वहाँ से चली गई। रामचंद्र खान ने पूछा क्या हुआ, बोला और एक दिन समय दो बस हो जाएगा, आज तो कुछ जप में बिजी था। दूसरे दिन फिर से लक्ष्य हीरा गई, दूसरे दिन फिर से क्या किया उसने, अब तो 3 चीज़ हो गई थी उसके लाइफ में, एक तो उसने हरिदास ठाकुर के पैरों की धूल सिर पे ले ली थी, हरिदास ठाकुर का दर्शन किया था और पूरा रात जो है श्रवण किया था, हरिदास ठाकुर जो जप कर रहे थे उसने हरे कृष्ण महामंत्र सुन लिया था, तो काफ़ी पवित्र हो चुकी थी। तो अब फिर जाती है, फिर जो है तुलसी को प्रणाम करती है और फिर बैठती है हरिदास ठाकुर, इस बार तो हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम करती है, क्योंकि उसे एक साधारण रेस्पेक्ट आता है उनके ऊपर में, जब उन्होंने देखा कैसे पूरा रात उन्होंने जप किया। तो फिर से कहती है कि भाई मैं तो आ गई, तो फिर हरिदास ठाकुर कहते कि मेरा जप जो है आज का बाकी है, तुम इंतज़ार करो, जैसे ही जप खत्म होगा मैं तुम्हारे साथ संग करूँगा। फिर पूरा रात बैठ गई, फिर जो है सुबह हो गई और फिर वहाँ से चली गई। तीसरे दिन फिर जाती है लक्ष्य हीरा, और इस बार जो है लक्ष्य हीरा खुद भी जप करने लगती है और शेष में क्या होता है वो रोने लगती है और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके करती है, कहती है कि मेरी गलती हो गई, अब जो है ये हरिनाम आपके मुख से सुन के मुझे इतना आनंद मिल रहा है, और मैंने जो भी गलतियाँ मेरे जीवन में की है सबका एहसास हो रहा है, तो मैं अब आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं भक्त बनना चाहती हूँ। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नहीं, मुझे इसके बारे में ज्ञान है, मुझे गांव वालों ने पहले ही बताया था कि रामचंद्र खान तुम्हें भेजने वाला है, तो मैं यहाँ से शायद चला जाता, लेकिन मुझे लगा जब कोई जीव मेरे पास आ रहा है तो क्यों ना उसे हरिनाम दूँ, तो इसीलिए केवल तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर रुका था। तो अब तुम एक काम करो, तुम्हारे जितनी भी धन और संपत्ति है सबका तुम दान करो। तो फिर लक्ष्य हीरा जो है जाके सारी अपनी संपत्ति का दान करती है और एक सादे रंग की एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है और अपना माथा भी मुंडन कर लेती है, और उसको हरिदास ठाकुर जो है दीक्षा देते हैं, उनका नाम हो जाता है हरिदासी। और फिर वो कहते हैं अब गुरु जी हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप जहाँ जाएंगे। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं नहीं, अब तुम सिर्फ यहाँ बैठो, जप करो 3 लाख नाम और प्रचार करो। तो फिर जो है जिस गुफा में हरिदास ठाकुर बैठे थे वहाँ पे वो जो है बैठ के रोज़ जो है नाम जप करने लगी, और फिर हरिदास ठाकुर वहाँ से कहीं और चले गए। तो जब रामचंद्र खान को ये पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इतने बड़े भक्त नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, जो भगवान के 3 लाख नाम जप करते थे, उनके ऊपर में अपराध किया, वेश्या भेज के उनका अपमान करने की कोशिश की, फिर भी रामचंद्र खान को कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी आप सोचेंगे, अभी तो आपने इतना बताया वैष्णव अपराध करने से ऐसा होता है, कुछ भी नहीं हुआ,
कब तक? थोड़े बरसों तक। उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो एकदम भयानक है। ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि मैंने तो देखा इसने अपराध किया, उसने अपराध किया, इसने अपराध, इसको तो कुछ नहीं हुआ। सी ये ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वैष्णव अपराध किसी ने किया तो कि साथ ही साथ में उसका फल मिल जाए। कभी कभी साथ ही साथ फल मिल सकता है, कभी कभी एक साल, कभी दो दिन, कभी 15 साल, कभी 50 साल, पता नहीं है। वैष्णव अपराध मतलब बीज के जैसा है। जैसे आप बीज डालते हो तो धीरे धीरे बीज से जो है छोटा सा पौधा, पौधा से झाड़, झाड़ से फल फूल, टाइम लगता है। वो कभी कभी एक साथ में हो जाता है। तो हमें पता नहीं है, वैष्णव अपराध एक बीज जैसा है, कभी भी जो है उस्पुर सकता है, बाहर निकल सकता है। तो अब क्या हुआ रामचंद्र खान को? कुछ सालों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद में उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा कि तुम प्रचार करो नवद्वीप में, घरे घरे जाओ, सबके घर घर जाओ, हाथ जोड़ो, सबको भगवान का नाम दो। तो उस दौरान जो है नित्यानंद प्रभु इस गांव में पहुँचे जहाँ पे रामचंद्र खान जमींदार था। अब यहाँ क्या हुआ, जब रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का जो है अपराध किया था, तो धीरे धीरे क्या हुआ था, उनका हृदय जो है बहुत हार्ड हो गया था, एकदम ड्राई हो गया था, और धीरे धीरे जो उनका पतन हो रहा था लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था। तो अब क्या हुआ, जो गांव में उन दिनों में जो जमींदार होते थे उनके घर में आंगन में दुर्गा मंडप होता था जहाँ पे वो दुर्गा देवी की प्रतिमा को हर साल जो है पूजा करते हैं। तो जो दुर्गा मंडप है वहाँ पे नित्यानंद प्रभु पहुँच गए रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप में, और वहाँ पे आके वो बैठ गए और बोले कहाँ है रामचंद्र खान, चलो मुझे मेरे लिए प्रसाद ऑर्गेनाइज करो। तो रामचंद्र खान दूर से जो है अपनी बालकनी से देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने सेवक को भेज के कहा नित्यानंद प्रभु को कहो ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम जाके गौशाला में रहो। तो जब उसके सेवक ने आके ये कहा नित्यानंद प्रभु को, तो वे काफ़ी क्रोधित हो गए और वे वहाँ से चले गए और दूसरे गांव में चले गए। अब क्या हुआ, ये जो वैष्णव अपराध जो है ये ऐसा है, जब शुरू में करते हैं वैष्णव अपराध तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वैष्णव अपराध हमारे हृदय को इतना कठोर बना देता है कि उसके बाद वाले वैष्णव अपराध में पता भी नहीं चलता हमें कि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, एकदम इजी लगता है। तो हरिदास ठाकुर को जब उन्होंने अपमान किया, उन्होंने वेश्या भेजा, तब शायद मन में कहीं भी लगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उनका मन इतना कठोर हो गया कि जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया उन्हें समझ में भी नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। उन्हें लगा इसमें गलत क्या है, वहाँ क्या करेंगे दुर्गा मंडप में रह के, गौशाला में रहो, क्या है उसमें गलत। तो अब जब नित्यानंद प्रभु जो अनंत शेष का अवतार है, जो गुरु तत्व है, वो क्रोधित हो गए। अब क्या हुआ, जब नित्यानंद प्रभु वहाँ से चले गए, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे नवाब हुसैन के सैनिक आए, क्योंकि ये क्या हो गया, धीरे धीरे इसकी मति भ्रष्ट हो गई रामचंद्र खान की, और उसने धीरे धीरे क्या किया, नवाब हुसैन को जो टैक्स देना होता है, जो कर, वो कर देना भी बंद कर दिया, वो सारे पैसे से खुद ही एंजॉय कर रहा था। तो फिर नवाब हुसैन के सारे सैनिक आए और उसको पकड़ के एक एनिमल, एक पशु के जैसे उसको बांध दिया, उसको कोड़े मारे, और जितना भी उसका धन था सब ले लिया, और जो दुर्गा मंडप है उसी मंडप में रामचंद्र खान की जो गाय है, गायों का मतलब काट के उसका मांस खाया, उधर गाय का मांस जो है कुकिंग किया, पूरे गांव को प्लंडर कर दिया, वहाँ पे जितना भी धन था सब कुछ ले लिया। इतना वहाँ पे मतलब 3-4 दिन में इतनी वो लोग को तकलीफ दी, पूरा गांव वहाँ पे खाली हो गया, सब वहाँ से चले गए, दूसरे जगह पे चले गए, और इनके परिवार में जो है सबको तकलीफ़ दिए, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके सेवकों को, तो सब कुछ उनका ले लिया। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कभी कभी वैष्णव अपराध का फल साथ ही साथ में दिखाई देता है, कभी कभी कुछ सालों के बाद, कितने कितने साल तक किसी को पता ही नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ रामचंद्र खान को, लेकिन एक साथ में जब घड़ा भर गया तो उसे कितना भुगतना पड़ा। और कभी कभी हम देखते हैं वैष्णव अपराध का फल साथ ही साथ में मिल जाता है, जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर का अपराध किया था गोपाल चक्रवर्ती ने, जब हरिदास ठाकुर नाम की महिमा के बारे में बता रहे थे तो गोपाल चक्रवर्ती ने उसे टोक दिया, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, उतना तो हरि नाम का कोई पावर नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने सोचा कि वहाँ और क्या तर्क करे, तो वे वहाँ से निकल गए। दूसरे ही दिन गोपाल चक्रवर्ती को लेप्रेसी हो गया और उसकी नाक गिर गई,
उसी तरह से हम देखते हैं अमोघा, अमोघा जो इनका दामाद था, किनका दामाद था, सर्वभौम भट्टाचार्य का। जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में प्रसाद ले रहे थे तो अमोघा ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर में अपराध किया, और साथ ही साथ में क्या हुआ, दूसरे ही दिन कॉलेरा नाम की व्याधि से वे जो है बिस्तर पे पड़ गए एकदम। और फिर चैतन्य महाप्रभु को जब गोपीनाथ आचार्य ने ये बात बताई, तब चैतन्य महाप्रभु गए और उन्होंने अमोघा के छाती पे हाथ रखा और कहा कि क्योंकि तुम सर्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो, मेरा तुम पे विशेष प्रेम है, तो मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तो फिर अमोघा को जो है वो रोग से विमुक्ति दी और फिर अमोघा हरिनाम करके नाचने लगे। तो हम देखते हैं कि अमोघा है या गोपाल चक्रवर्ती है, साथ ही साथ वैष्णव अपराध का फल मिला। लेकिन हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के केस में, जब रामचंद्र खान ने उन्हें तकलीफ दी तो कई वर्षों के बाद में उन्हें फल मिला। उसी तरह से हम देखते हैं दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, शिव जी का अपमान करते हैं। जब दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित किए हुए यज्ञ में जब दक्ष प्रजापति खुद एंटर करते हैं, तब वो देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो उनके पिता है, वे उनके सम्मान में उठते नहीं हैं, उनको उठने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उनका रिश्ता पिता पुत्र का है। लेकिन शिव जी रिश्ते में उनके दामाद लगते हैं और वे जब नहीं उठते हैं तो दक्ष प्रजापति उनके बारे में इतना बुरा बोलते हैं, कहते हैं कि इसको कोई कल्चर नहीं है, ये ऐसे क्या कहते हैं ना, वरिष्ठ लोगों की सभा में बैठने लायक नहीं है, ऐसी कितनी सारी बातें बोलते हैं। और अंतशेष में क्या होता है, दक्ष प्रजापति का गला कट जाता है और उसे क्या है, बकरी का सिर मिलता है। तो उस तरह से हम देखते हैं ऐसे चरित्र में कितनी सारी उदाहरण है। हम देखते हैं सौबर मुनि क्या करते हैं, सौबर मुनि गरुड़ जी को आने से मना करते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ मत आओ यमुना में, और क्योंकि गरुड़ का वे अपमान करते हैं, उनका अपराध करते हैं। तो फिर क्या होता है, आगे चल के सौबर मुनि जो इतना सुंदर तपस्या कर रहे थे पानी के नीचे, उनका मन भ्रष्ट हो जाता है, वे दो मछलियों को मिथुन करते हुए देखते हैं और उनका इच्छा होती है शादी कि मैं भी विवाह करूं। तो फिर मंधाता की 50 कुमारियों से, या कहते हैं ना राजकुमारियों से, वे शादी कर लेते हैं। तो उस तरह से जो है उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो हम ऐसे अलग अलग कथाएं सुनते हैं। हम देखते हैं दुर्वासा मुनि का जब अपमान करते हैं सांब, और फिर क्या होता है, क्योंकि दुर्वासा मुनि का वे अपमान करते हैं तो दुर्वासा मुनि के श्राप से पूरा यदुवंश का नाश हो जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का अपराध करते हैं, और फिर क्या होता है, जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागता है, तब दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बट सब कहते कि हम आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे, आपने अपराध किया है अम्बरीश की तरफ, अम्बरीश अगर आपको क्षमा करेगा तभी ये चक्र जो है आपका पीछा छोड़ेगा। और फिर ये फेमस पिक्चर आपने देखा होगा इस्कॉन का, जहाँ पे दुर्वासा मुनि एक साधु है, एक सन्यासी है, तो वो जो है एक गृहस्थ अम्बरीश महाराज का पैर पकड़ लेते हैं, और फिर अम्बरीश महाराज उस सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि मैंने अगर कुछ भी पुण्य किए हैं तो मैं मेरे सारे पुण्य जो है आपको प्रदान करता हूँ, दुर्वासा मुनि को प्रदान करता हूँ, हे सुदर्शन चक्र आप दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दीजिए। तो उस तरह से हम देखते हैं कि वैष्णव अपराध जब दुर्वासा मुनि ने किया था तो भगवान भी हाथ उठा लेते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो वैष्णव अपराध की कितनी कितनी सारी ऐसी अलग अलग कथाएँ हैं। हम देखते हैं देवानंद पंडित, वे बहुत सुंदर भागवत कथा करते थे। तो एक बार जब वे भागवत कथा कर रहे थे तो उनकी कथा में श्रीवास ठाकुर बैठे थे। अब वे इतना सुंदर कह रहे थे भगवान के बारे में कि श्रीवास ठाकुर कृष्णा 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 कहते कहते एकदम रोने लगे जोर जोर से, और फ्लोर पे जो है एकदम रोल करने लगे। तो देवानंद पंडित के जो शिष्य थे उनको लगा कि ये इतना नाटक क्यों कर रहा है, तो उसको श्रीवास ठाकुर को पकड़ के बाहर फेंक देते हैं, तो क्योंकि उसको इनका इतना अपमान करते हैं। तो आगे चल के क्या होता है, देवानंद पंडित के क्लासेस जो है वो जो कहते थे वो धीरे धीरे अलग दिशा में चले जाते हैं और वो कुछ और जो है डिस्टॉर्ट कर देते पूरा फिलॉसफी को, और धीरे धीरे उनमें जो हिपोक्रेसी बढ़ जाती है। और फिर वे जब गौर देश वापस जाते भी है, अपने गुरु की शरणागति लेते भी है,
फिर भी जो है उनमें पवित्रता नहीं है, हिपोक्रेसी आ गई है, तो आगे चल के वे जो है भूत बन जाते हैं। और जो भी वैष्णव अपराध करते हैं ऐसे वैष्णवों को वे हॉन्ट करते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं अलग अलग कि जो जो वैष्णव अपराध करते हैं उनका कोई 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 परित्रण मतलब कोई उसका रेमेडी नहीं है, तो इतने बुरे फंस जाते हैं वो। हम देखते हैं गोपाल चपल श्रीवास ठाकुर की तरफ कितना अपराध करते हैं। श्रीवास ठाकुर जो रोज़ चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में हरिनाम संकीर्तन करते थे, तो गोपाल चपल को जो है उन पर ईर्ष्या होती है कि सब श्रीवास का इतना गुणगान कर रहे हैं। तो गोपाल चपल एक दिन क्या करते हैं, रात को दुर्गा पूजा का पूरा सामान श्रीवास ठाकुर के आंगन में श्रीवास ठाकुर के दरवाजे के सामने रख देते हैं। दूसरे दिन सुबह जब दरवाज़ा खोलते हैं तब श्रीवास ठाकुर देखते हैं ये क्या है, लेकिन फिर भी वो बहुत विनयी है, वो सबको बोलते हैं हाँ मैं दुर्गा पूजा करता हूँ, मैं केवल नाटक कर रहा हूँ, मैं कोई कृष्ण का भक्त नहीं हूँ। तो जब ये गोपाल चपल ऐसा अपराध करता है तो आगे चल के गोपाल चपल को लेप्रेसी हो जाता है, और वे शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु से मिल के क्षमा भी मांगते हैं कि मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ, मेरे बीवी ने मेरे बच्चों ने सबका सब ने मेरा त्याग कर दिया, आप मुझ पर दया करिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हें तो श्रीवास क्षमा करेंगे तभी तुम्हारा जो है निवारण होगा। और फिर अंत में गोपाल चपल जो है श्रीवास ठाकुर से वे क्षमा मांगते हैं और तब जाके जो है वे इस रोग से विमुक्त होते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं, और बात भक्तों की नहीं है, भगवान अपनी माता को भी जो है वैष्णव अपराध करने से टोकते हैं। एक दिन श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आनंद के मूड में है और सबको कुछ ना कुछ मैं दे रहे हैं, कोला वेचा श्रीधर को कुछ दिया, इसको कुछ दिया, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, तो उस टाइम पे श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि सची माता को भी दीजिए कृष्ण प्रेम। तो भगवान कहते हैं सची माता को नहीं दूंगा। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया है। क्या अपराध किया है? अद्वैत आचार्य के ऊपर में उन्होंने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? अब ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, वे अद्वैत आचार्य के घर आया जाया करते थे और अद्वैत आचार्य की सुंदर सुंदर भागवत कथा सुनने से वे प्रेरित होकर संन्यास ले लेते हैं और पंढरपुर चले जाते हैं। और अब चैतन्य महाप्रभु भी जो है संन्यास ले लिए हैं, तो सची माता के मन में एक बात आती है कि क्या है ये अद्वैत, ये तो लोगों के घर मिलाता नहीं है, लोगों के घर तोड़ देता है, मेरा बड़ा बेटा भी संन्यास ले लिया, छोटा वाला भी संन्यास ले लिया। तो उनके मन में जो है अद्वैत आचार्य के ऊपर में जो ये अपराध भावना प्रकट हुई है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। और जब ये बात सची माता जानती है तो इतनी रोती है, और अब ये बात जब अद्वैत आचार्य तक जाती है कि भगवान अपनी खुद की माता को कृष्ण प्रेम नहीं देना चाहते क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया है, हालांकि एक जगह लिखा है कि उन्होंने सिर्फ मन में ये सोचा था, कहीं लिखा है कि ब्लर्टेड आउट उनके मुंह से ये बात निकल गई थी कि क्या ये अद्वैत आचार्य की वजह से मेरे बच्चे संन्यास ले लिए हैं। तो जब ये अद्वैत आचार्य ये बात सुनते हैं तो वे बेहोश हो जाते हैं कि भगवान की माँ मेरे तरफ क्या अपराध की है। तो जब वे बेहोश हो जाते हैं तब सची माता क्या करती है, उस बेहोशी के हालत में ही वो अद्वैत आचार्य के पैरों से धूल लेके अपने सिर पे लगा के क्षमा मांग लेती है, क्योंकि अगर वे जागरूक रहेंगे तब तो क्षमा मांगने देंगे नहीं, ना उनको प्रणाम करने देंगे। तो उस तरह से जो है वे अपराध से मुक्त हो जाती है। और तब चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब मैं आपको कृष्ण प्रेम दूंगा। तो अपनी माता को भी वे नहीं छोड़े हैं, अगर कृष्ण अगर वैष्णव अपराध किया है तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो ये कितनी कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि हमें वैष्णव हम फिर अगर माता को ही अगर क्षमा नहीं करते तो फिर हमारी क्या हमारा और आपका क्या होगा, तो हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए। तो उस तरह से हम देखते हैं अलग अलग लीलाएँ हैं। कृष्ण प्रिया दासी नाम की भी एक भक्त थी, वे बहुत सुंदर मतलब हरि नाम पे उनका इतना ज़्यादा प्रेम था कि उनकी जो जिह्वा है एक सेकंड के लिए भी भगवान का नाम लिए बिना नहीं रह सकती। तो वे एक दिन जाती है रूप कविराज की भागवत कथा सुनने के लिए। तो जब ये रूप कविराज की भागवत कथा सुन रही है तो कथा सुनते सुनते भी उनका नाम जप हो रहा है, तो रूप कविराज थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि भागवत कथा ठीक से सुनो, नाम जप क्यों कर रही हो। तो वो हाथ जोड़ के कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी जीभ मानती नहीं है, पकड़ने से भी जो है हरी नाम करती है।
लेकिन रूप कविराज उन पे गुस्सा हो जाता है। फिर रूप कविराज उनको उनकी क्या कहते हैं ना, उनके स्टेज को समझ नहीं पाते कि वे कौन से लेवल पे हैं और उनके तरफ अपराध करते हैं, और आगे चल के जो है रूप कविराज का भी पतन हो जाता है। तो जो वैष्णव का अपराध करता है उनका पतन हो जाता है। तो अगर ये वैष्णव अपराध की तो बहुत सारी कथा है, कैंटो 1 से लेके कैंटो 12 तक आप देखो, हर एक भागवत के स्कंद में, प्रथम स्कंद में हम देखते हैं परीक्षित महाराज वैष्णव अपराध करते हैं शमिक ऋषि के, और उसके बाद में हम देखते हैं तीसरे स्कंद में जय विजय, वे कैसे चतुष्कुमार की तरफ वैष्णव अपराध करते हैं। फिर चौथे स्कंद में हम देखते हैं, ऐसे हम देखते अलग अलग स्कंदों में भी भागवत की मेन थीम कहीं ना कहीं वैष्णव सदाचार, वैष्णव आचार, उसी ऊपर उसके ऊपर में फोकस है। हम देखते हैं पांचवे स्कंद में जड़ भरत और महाराज रहुगुना, कैसे रहुगुना जड़ भरत के ऊपर में वैष्णव अपराध करते हैं। फिर हम देखते हैं छठे स्कंद में कैसे चित्रकेतु महाराज अपराध कर देते हैं पार्वती जी से, वे अमर्यादा पूर्वक बात कहते हैं शिव जी से। फिर हम देखते हैं आठवें स्कंद में इंद्रद्युम्न महाराज, वे कैसे अपने तपस्या में व्यस्त होकर आने वाले अतिथि का सही से मान नहीं करते और फिर उनको दूसरे जन्म में हाथी का शरीर लेना पड़ता है और उनको गजेंद्र का जन्म मिलता है। तो उस तरह से जो है हम देखते हैं कि ये वैष्णव अपराध से हमें केयरफुल रहना चाहिए, मन में भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं मुकुंदा, मुकुंदा जब गदाधर को ले जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने के लिए, तब गदाधर पंडित अपने मन मन में ही सोचते हैं कि उन्होंने तो कहा था कि कोई बड़े भक्त से मिलाएंगे, लेकिन ये पुंडरीक विद्यानिधि तो बहुत सुंदर सिल्क के कपड़े पहने हुए है, परफ्यूम डाले हुए हैं, पान खा रहे हैं, अच्छे से कंफर्टेबल एक क्या कहते हैं ना सीट पे बैठे हुए हैं, आसपास में सुंदर नारियां है, ये क्या ऐसे भक्त है। तो मन में ऐसा सोच रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, तो ये बात मुकुंद समझ जाते हैं। तो साथ ही साथ मुकुंद क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक गाने लगते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। सो ये जो श्लोक है जहाँ पे कहा जाता है कि कृष्ण कितने दयालु है, जो उन्हें विष खिलाने आई थी पूतना, उनको भी माता की पदवी दे दी, ऐसे दयालु कृष्ण की शरण कौन नहीं लेगा। बस ये श्लोक मुकुंद दत्त जब गाते हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि साथ ही साथ में रोने लगते हैं, अष्ट सात्विक विकार नीचे गिर जाते हैं, हे कृष्ण करते हैं। और तब जो है गदाधर पंडित को समझ में आता है, अरे मैंने तो सोचा कि ये कितना लग्जरियसली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत उच्च स्थान के भक्त है। तो फिर वे मुकुंद से कहते हैं, अब क्या करूं, मेरे मन में तो अपराध हो गया, मैंने उनके बारे में ऐसा सोच लिया। तो फिर जो है मुकुंद कहते हैं कि अब तुम उनसे दीक्षा लो, तुम्हारे मन में जब उनके लिए अपराध की भावना आई थी तो अब मंत्र दीक्षा इनसे ले लो और इनकी सेवा करो पूरा जीवन, तब तुम जो है वैष्णव अपराध से मुक्त हो जाओगे। तो फिर गदाधर पंडित जो है उनसे दीक्षा ले लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीख है, मन से, वचन से, हमारे चाल चलन से भी हमें वैष्णव अपराध नहीं करनी चाहिए। और इस लीला से एक बड़ी सीख ये भी है कि कभी कभी हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं, वो सच नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्ने ना बुझाए। जो बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो भी नहीं समझ पाते वैष्णव कौन है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या है। इसलिए कभी भी वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अम्बरीश महाराज के इस वृत्तांत के तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं, डोंट पोक योर नोज इन ए वैष्णव बिजनेस। किसी भी वैष्णव के जीवन में अपनी नाक मत अड़ाओ, अपना काम करो। वैष्णव नोज हिज बिजनेस, वैष्णव जानता है वो क्या कर रहा है। तुम बैठ के किसी वैष्णव को जज मत करो, तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि वैष्णव को समझना बहुत मुश्किल है। कि कभी कभी वैष्णव का जो प्रवर्तन होता है वो केवल एक लीला मात्र होता है, कुछ चीज़ समझाने के लिए, लेकिन हम उसके ऊपर में बड़ी जजमेंट दे देते हैं। से जिस तरह से हम देखते हैं भृगुमुनि एक बहुत बड़े वैष्णव है, लेकिन वो क्या करते हैं, जब वैकुंठ जाते हैं तो भगवान को लात मार देते हैं,
भगवान की छाती पे लात मारते हैं और भगवान भृगु को कहते हैं, अरे भृगु तुम्हारे पैरों में दर्द तो नहीं हुआ, मेरी छाती बहुत कठोर है, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ। अब ये लीला का मतलब क्या है? मतलब भृगु मुनि जान मुझ के ये कर रहे हैं, भगवान की ग्लोरीज, ओ हमारे ठाकुर जी कितने विनयी है, हमारे ठाकुर जी का हृदय कितना विशाल है, पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। उसी तरह से हम चैतन्य लीला में देखते हैं नित्यानंद प्रभु, शिवानंद सेन थोड़ा से देरी करते हैं आने में, तो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे चार बेटे मर जाए, और जब वे आते हैं तो उनकी छाती के ऊपर में पैर से मारते हैं। और शिवानंद सेन अपने मन में सोचते हैं, अहो भाग्यम, आज इन्होंने मुझे अपना मान लिया। कोई अपने को ही लात मारता है, पराये को थोड़ी मारता है। जो ब्रह्मा को शिव को नहीं मिला वो मुझे आज मिल गया, भगवान के चरणों की धूली। जब मन में ये भाव वो रखते हैं तब नित्यानंद प्रभु उनको गले लगा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे सोच सकते हैं नित्यानंद प्रभु को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसा जानबूझ के करते हैं सो दैट उनके भक्त के गुणगान पूरी दुनिया करे कि क्या बात है, शिवानंद सन कितने विनयी हैं, उनमें कितना सहनशीलता है। तो कभी कभी भगवान लात खाते हैं क्योंकि भक्त अपने भगवान के बारे में सब गुणगान करना चाहते हैं, कभी कभी भगवान लात मारते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। तो ये भगवान और भक्त के बीच में पड़ना ही नहीं, क्योंकि दोनों कब क्या करते हैं लीला पता नहीं है, किस लिए ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा बिहेव करते हैं। तो इसलिए हमें हमारी साधना से मतलब रखना चाहिए, हमें हमारी काम से मतलब रखना चाहिए। तो हमने बहुत सारी लीलाएँ डिस्कस की, फिर अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन की ओर जाएंगे कि क्या करना चाहिए जिससे वैष्णव अपराध ना हो। अब तो हमने बहुत सारी कथा सुनी क्या होता है, कितने सारे वैष्णव अपराध की के संबंधित भागवत से, चैतन्य चरितामृतम से हमने लीलाएं सुनी। तो क्या करें एज ए डिवोटी, हम क्या करें? ठीक है, ये सब सुनने से डर तो लगता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए, फियरफुल नहीं, केयरफुल रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में घूम रहे थे तो जब एक बार उन्होंने बंदरों की तरफ देख के बताया था कि इन्होंने सबने अपराध किए हैं, इसीलिए वे धाम में जो है इस तरह से घूम रहे हैं। अभी हमने जैसे और भी एक कहानी सुनी, कैसे एक उत्तम भक्त को कुत्ते का जन्म मिला क्योंकि उसने वैष्णव अपराध सुना, किया नहीं सिर्फ सुना है, तो भी उसको कुत्ते की योनि में जन्म मिला। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें संवेदनशील रहना चाहिए, हम किससे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रहना चाहिए। भक्तों के साथ जब हम डील करते हैं, इट इज़ एज इफ डीलिंग विथ फायर, मतलब आग के साथ जब हम, कितने माताएं कितनी केयरफुल होती है जब वे कुकिंग करती है तो गैस बंद करो, गैस धीरे करो, क्योंकि उन्हें पता है कि आग काम का तो बहुत है, चपाती बना सकते हो, दाल बना सकते हो, लेकिन जल भी सकता है हाथ। उसी तरह से भक्तों का संग बहुत काम का है, भक्तों के संग के बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आग जैसा है, कुछ गलत किया जल जाएगी भक्ति, कुछ भी गलत हुआ तो, कुछ भी गलत हुआ तो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाथी माथा अपराध, थोड़ी बहुत गलती इधर उधर हो गई, ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? आप इतनी मेहनत से जो अपना पूरा बगान बनाए हो, अपना बगीचा जो पूरा बनाए हो, पूरा बगीचा बनाने के बाद अगर एक जंगली हाथी को अंदर में भेज देते तो क्या होता है? पूरे बगीचे में सारे फल फूल पौधे सबको नाश कर देगा। उस तरह से इतनी मुश्किल से जो आप अपनी भक्ति को सींच रहे हो, धीरे धीरे पानी दे के बढ़ा रहे हो, वैष्णव अपराध करना मतलब एक पागल हाथी को अंदर में भेज देना, पूरी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक तो वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ निंदा हो रही हो उस जगह से चले जाने चाहिए इमीडिएटली। एक्चुअली शास्त्र में कहते हैं अगर हम किसी कोई वैष्णव निंदा कर रहा है और हम वहाँ खड़े हैं तो उस आदमी को मार डालना चाहिए, किल। लेकिन किल तो हम कर नहीं पाएंगे, या तो सामने जवाब देना चाहिए, नहीं आप गलत बोल रहे हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ऐसा है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक नहीं रहेगा, वो मुझसे एल्डर है, तो फिर वहाँ से चले जाओ। बस ये तीन ही सॉल्यूशन है, जस्ट लीव दैट प्लेस, इमीडिएटली भागो वहाँ से। नहीं कोई फुर्सत पर नहीं, पर वो क्या सोचेंगे, वो वरिष्ठ वैष्णव है, वो मुझसे एल्डर है, वो मुझसे सीनियर है, वो जब कह रहे हैं तो मुझे सुनना पड़ेगा, नहीं कह रहे तो सुन, कुछ ना कुछ बहाना बन के वहाँ से एस्केप कर लेना चाहिए, लेकिन वैष्णव निंदा हमें सुननी नहीं चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि रोज़ सुबह अगर आपके पड़ोसी आके आपके घर के सामने
पूरा उनका कचरा का डब्बा फेंक देते हैं, तो आप क्या करोगे? आप जाके बेल मारोगे, बोले यहाँ क्यों फेंक रहे हो, आप जाके डस्टबिन में फेंको। लेकिन तब तो आप ये नहीं बोलते हो कि नहीं उनको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं फेंकने दीजिए ना, बुरा मान जाएंगे, तब तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम बोलते नहीं बाबा गंदी बास आ रही है, निकालो निकालो, हमारे घर के सामने क्यों कचरा फेंका। उसी तरह से जब हमारे कान में कोई कचरा फेंकता है, वैष्णव का निंदा हमें बोलना चाहिए, बाबा ये पब्लिक डस्टबिन नहीं है, मैंने यहाँ कोई लिखा नहीं है यूज़ मी, देखो मेरे को आप जो बोलना है बोलो, नहीं मेरे कान भगवान की कथा सुनने के लिए है, मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता। तो ये हम कह सकते हैं इसमें कोई अपराध नहीं है। सी वैष्णव अपराध का एक थिन लाइन है, उसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कोई अगर वैष्णव निंदा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर मैं नहीं सुनूंगा तो अपराध हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, वो कुछ बोल रहा है, और हम सोचते हैं कि वहाँ से मैं चला जाऊँगा तो वो वैष्णव अपराध होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सज्जन तोसनी में भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बहुत सुंदर सॉल्यूशन दिए हैं। क्या क्या आप कर सकते हो? सपोज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस्कॉन मंदिरों में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त कुछ गलत काम कर रहा है, जैसे कि कभी किसी ने कोई अपनी रिसीप्ट बुक बना ली, कुछ अपना ही कलेक्शन कर रहा है, लोगों को कुछ गलत दिशा में जो है गाइड कर रहे हैं, तो एज ए मैनेजमेंट में आपको बोलना पड़ेगा कि हरे कृष्णा डिवोटीज, इस भक्त के साथ में और आप संपर्क में मत रहिए, ये जो है मंदिर से निकल गए हैं, ये अपना ही जो है रिसिप्ट बुक बना के अपना ही फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में वैष्णव अपराध के बारे में जो आर्टिकल लिखे उसमें तीन चीज़ उन्होंने बताई है। अगर ऐसा बोलने से सामने वाले भक्त का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो और पूरे भक्त समाज का फ़ायदा हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो अब ये तीन चीज़ मैंने बता दी। जैसे अगर कोई किसी को कुछ गलत काम कर रहा है जो हमारी संस्था के लिए अच्छा नहीं है, और आपने सबको बता दिया कि भाई ये भक्त ऐसा कर रहा है, ये चार नियमों का उल्लंघन कर रहा है, आप इसके साथ संगमत करो, तो आपने ऐसा क्यों कहा, उसमें सारे भक्त समाज का भला होने वाला है, तो ये वैष्णव अपराध नहीं है। दूसरा चीज़ उस आदमी का भला, उसका मतलब अगर कोई भक्त कुछ गलत कर रहा है तो प्रभु आप ऐसा नहीं करिए, आप ये जो रोज़ सुबह लेट से आते हो, या प्रभु जी आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो ये क्यों आपने कहा, उसका भला करने के लिए, तो ये भी वैष्णव अपराध नहीं है कि आप उसका भला करना चाहते हो। अगर आप उसके मेंटर हो, शिक्षा गुरु हो, मैनेजमेंट में हो, या उसके शुभ चिंतक हो, या आपको लगता है ये बात बोलने से उसकी मदद होगी, तो आप ये बोल सकते हैं। तीसरा चीज़ जिसमें आपका भला होता है वो भी आप बोल सकते हो, उसमें वैष्णव अपराध नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को बोलो प्रभु मुझे आपका संग अच्छा लगता है, लेकिन आप ये जो ना कभी कभी इनके बारे में जो आप निंदा करते हो, मेरे को ये बात नहीं सुननी प्रभु जी, ये कॉन्वर्सेशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, ये वैष्णव अपराध है, तो ये आप किस लिए कह रहे हो? बिकॉज इट्स बेनिफिटेड टू यू, आपकी मदद करने के लिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ये भी गलत नहीं है। तो ये तीन चीज़ में वैष्णव अपराध नहीं लगता है। तो ये हम खुल के बोल सकते हैं कि भाई मैं बात नहीं सुनना चाहता, मैं इनकी निंदा नहीं करना चाहता, तो ऐसा हम जो है केयरफुल रह सकते हैं। और दूसरे भक्त के साथ जब हम डील करते हैं, बोलते हैं, हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से हम उनको हर्ट तो नहीं कर रहे। क्योंकि रूपा गोस्वामी की कथा आप लोगों को तो पता है, कैसे रूपा गोस्वामी जो है अपने स्मरण में थे और वो राधा कृष्ण की लीला देख रहे थे और उनको हंसी आ गई, राधा रानी और कृष्ण की लीला देखते देखते। और लेकिन क्या हुआ था यहाँ पे, वो अपने मन में लीला आस्वादन कर रहे थे, और यहाँ पे एक भक्त जो तुलसी की परिक्रमा कर रहा था, जिसको पैर में कोई, जिसे वो अष्टवक्र जैसा था, मतलब थोड़ा सा यहाँ वहाँ टेढ़ा फेढ़ा था, हैंडीकैप जैसा, तो उसके मन में ऐसा आ गया कि अच्छा रूपा गोस्वामी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसने अपराध ले लिया, मन में अपराध ले लिया। तो क्योंकि उसने सोचा कि रूपा गोस्वामी उसके खिलाफ मतलब हंस रहे हैं, उनका मन अपराध कर रहे हैं, तो रूपा गोस्वामी को यहाँ लीला देखना बंद हो गई। अब रूपा गोस्वामी को समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ पिछले कुछ दिनों से मुझे लीला स्मरण क्यों नहीं हो रहा है, वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, मैंने किस वैष्णव का अपराध कर दिया, मुझे और राधा कृष्ण की लीला दिखाई नहीं देती। फिर सनातन गोस्वामी को समझ में आया, अच्छा तो तुम्हारे बारे में जो है ये भक्त ऐसा बता रहा था, तो फिर दोनों के बीच में जो है उन्होंने जो है ये कर दिया, मतलब संधि करवा दी कि नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर में नहीं हंस रहे थे, ये अपने ही लीला देख रहे थे, तो फिर एक दूसरे को जो है उन्होंने ये कर दिया, क्षमा कर दिया, और फिर रूपा गोस्वामी को लीलाएँ दिखने लगी। तो इमेजिन करिए कि गलती से भी किया हुआ अपराध का इतना पनिशमेंट है, तो जानबूझ के किया हुआ का तो क्या क्या कहना। तो कितना हमें केयरफुल रहना चाहिए कि नोइंगली अननोइंगली भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। दूसरा बात है कि वैष्णवों को आँखों से नहीं देखना चाहिए, कानों से देखना चाहिए। मतलब आँखों से नहीं देखना मतलब कभी कभी हम जो देखते हैं वो
नहीं है, जो ठीक नहीं है वो कुछ और है, लेकिन हम कुछ और सोचते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बार मुझे एक भक्त बता रहा था कि माता जी, एक भक्त जो है मंदिर में प्रणाम कर रहा था, तो मतलब हम लोग जो साष्टांग प्रणाम करते हैं उसमें जो सिर है वो मतलब भूमि को छूना चाहिए, लेकिन ये भक्त जो है कुछ अजीब तरह से प्रणाम कर रहा था, मतलब सिर नहीं छूता है लेकिन ये जो चिन्ह है वो चिन्ह छू रहा है. तो उसे लगा ये क्या है, इतना बड़ा मतलब वरिष्ठ भक्त है और इस तरह से प्रणाम कर रहा है. उसके बाद उसको पता चला कि इस भक्त को कुछ स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था, वो ऐसा नहीं झुक सकता इसीलिए वो ऐसा झुकता था. बाद में उसको लगा, अरे मैंने कितना मन में अपराध कर दिया. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भक्तों को आँखों से मत देखो, कानों से ही देखो, क्योंकि आँखों से हम जो देखते हैं हमें आधा पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहे हैं. कभी जैसे कोई भक्त मंगलारती नहीं आया या नहीं आता है कुछ दिनों से, तो हम इतना कुछ सोच लेते हैं क्या है, क्या है, क्या क्या साधना है, क्या है. शायद कुछ रीजंस होंगे जो हमें पता नहीं है, शायद कोई प्रोग्राम होगा, शायद हेल्थ ख़राब होगा, शायद कोई और सिचुएशन होगी. तो इसी तरह से हमें आँखों से जज नहीं करना चाहिए, कानों से. कानों से जज करना मतलब कथा सुनना, उनकी बातें सुनना. जब कोई भक्त मुँह खोलता है तो पता चल जाता है वो किस तरह का भक्त है, उसकी बातों में क्या कृष्ण है, क्या वो भौतिक बातें करता है. जब वो हमारे साथ वार्तालाप करता है क्या करता है. भक्त माने बोधयन्ति परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम. जो भक्त होता है मुंह खोलने से ही कृष्ण की बात होती है और कोई बात नहीं होती. तो उस तरह से हम भक्त को जो है समझ सकते हैं. दूसरी बात, कभी कभी जैसे हमने देखा ना, छह टाइप ऑफ अपराध, भक्त पे गुस्सा नहीं आना चाहिए. लेकिन कभी कभी आप बोलेंगे, लेकिन माता जी जब घर में रहते हैं पति पत्नी, कभी तो कभी गुस्सा नहीं, हमें पॉज बटन दबाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता हमारी वाणी में इतनी कठोरता आ जाती है. क्योंकि एक पति पत्नी भी तो वैष्णवी है, पत्नी भी कंठी पहनती है, पति भी कंठी पहनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या हमारे परिवार में जो भी है, हमारे माँ बाप भाई जो भी, सब तो वैष्णव है. तो हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए. कभी कभी एकदम आवेग में एकदम गुस्सा हो जाता है, पॉज बटन हमें ना एकदम इमेजिन कर लेना चाहिए, एक पॉज बटन. जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नहीं पहले मुझे पॉज करना है, जो भी है मुझे गुस्सा आ रहा है इसके बारे में मैं कल बात करूँगा. तो जब हम ऐसा रोक देते हैं तो 24 घंटा में वो गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, एक्चुअली शायद मेरी भी गलती थी कहीं ना कहीं, केवल उसकी गलती नहीं है, ऐसा लगता है. धीरे धीरे समझ में आती है बात. तो इसीलिए थोड़ा सा जो है पॉज बटन दबाना चाहिए. सी, गुस्सा ऐसा चीज़ है, हमें कभी कभी हम ऐसे ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके बारे में बाद में हमें बहुत बुरा लगता है. सी, ये हमारा ये जो भक्ति जीवन है ना, ये पूरा एक स्नेक्स एंड लैडर का गेम जैसा है. बहुत मेहनत से जो ना, वो क्या बोलते हैं, वो डाइस डाल के जैसे स्नेक्स एंड लैडर गेम में आप डाइस डालते हो ना, 6 आता है, फिर 4 आता है, फिर आप धीरे धीरे करके अपना गोटी आगे बढ़ाते हो. उसी तरह से हम माला करके करके, साधना करके करके, भक्ति करके करके, धीरे 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 आगे चलते हैं, 99 तक पहुँच जाते हैं. अब एक और 100 में हम चले जाएंगे गोलोक वृंदावन. लेकिन कभी कभी हम क्या कर देते हैं, 98 में जब आप होते हो, अगर 2 आएगा तो सीधा गोलोक वृंदावन, 1 आएगा तो क्या होगा, सांप खा लेता है, फिर सीधा नंबर 7 में पहुंच जाते हैं. उस तरह से हमारी लाइफ में होता है. 98 तक हम ठीक है, उसके बाद एक वैष्णव अपराध, सीधा नीचे, फिर शुरू करो 7 से शुरू करो, फिर 4, फिर 8, फिर धीरे धीरे. तो कितना दुख लगता है जब आप स्नेक्स एंड लैडर गेम खेलते हो कि अरे 2 आता तो बस मैं सीधा चला जाता था, एक गलती के वजह से सीधा नीचे. उस तरह से एक वैष्णव अपराध, सीधा फिर शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी. तो ऐसा करना ही क्यों, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए. दूसरा बात है कि सबका मान करना चाहिए, वैष्णव हो अवैष्णव हो, सबका मान करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाएगी. मतलब ऐसा नहीं है कि मंदिर में जब संडे प्रोग्राम में जाएंगे, कोई इस्कान मंदिर में जाएंगे, तभी मैं सबसे इस तरह से व्यवहार करूँगा, घर में थोड़ा अलग से व्यवहार करूँगा, ऑफिस में अलग से व्यवहार करूँगा. तो ये कभी नहीं होने वाला. ये तीनों लाइफ एक करनी पड़ेगी, पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ. ये जो भी आपकी हमारी जो लाइफ होती है, एक पब्लिक लाइफ होती है सबके साथ, एक जो हमारी पर्सनल घर में, एक जो प्राइवेट जो सिर्फ आप और कृष्ण जानते हैं, ये तीनों लाइफ का सम्मेलन होना है. मतलब तीनों सेम हो जाना है, कुछ अलग नहीं रहनी है. अलग अलग जब तक रहेगी तब तक समस्या है. तब तक क्या होगा, घर में अलग बिहेवियर, बाहर में अलग बिहेवियर, हर जगह एक ही बिहेवियर.
जैसे आप बाहर भी जब इस्कॉन मंदिर में जाते हैं कितना विनम्र भाव से सारे वैष्णव को प्रणाम, कितना मीठा से बात करते, घर में भी उसी तरह से बात करनी है। घर में भी पत्नी से, पति से, बच्चों से उसी मिठास से, उसी प्यार से बात करनी है। ऑफिस में भी उसी तरह से, मंदिर में भी उसी तरह से, तब जो है हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सकले सम्माने करिते सकते, भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन बहुत सुंदर, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, सकले सम्मान करिते सकति देहोनाथ जथा जथ तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हो बेहत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, क्या चाहिए गुरुदेव आपसे, कृपा हमें क्या चाहिए। सकल सम्माने करिते सकती, मेरे मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मैं सबको सम्मान दे सकूँ, आपको सम्मान दूँ, आपके तरह सब भक्तों को सम्मान दूँ। ऐसा नहीं ये मेरे गुरु है, शिक्षा गुरु है, ये मेरे दीक्षा गुरु है, मैं उनको मान दूंगा, बाकी किसी को मान नहीं दूंगा, सबको समान भाव से मैं मान दे सकूँ, अपने आप को तुच्छ मानूँ, सारे वैष्णवों को मैं जो है समान भाव से रेस्पेक्ट कर सकूँ, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए गुरुदेव, तभी तो मेरा अपराध शून्य होगा, तभी तो मैं भगवान के धाम जा पाऊँगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेन टिप्स, कभी कभी आप सोचेंगे माता जी लेकिन दिखाई देता है कि ये पर्सन वैष्णव अपराध कर रहा है, या दिखाई देता है कि ये पर्सन गलत कर रहा है, तो क्या करना चाहिए। सी कुछ कुछ अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, हमारे माइंड को सिखाना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट देना। बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब कभी कभी जैसे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि बंदा गलत कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके मैंने 7-8 जो है पॉइंट्स दिए हुए, टिप्स दिए हुए। पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है और हमें इनफैक्ट लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट ये देना चाहिए कि हो सकता है मे बी ही इज़ ऑल्सो राइट, शायद मैं सोच रहा हूँ इस तरह से लेकिन शायद वो जो सोच रहा है उसका तरीका भी शायद सही है। जिस तरह से अगर मैं आज एक नंबर 9 पेपर में लिखती हूँ, आप वहाँ से देखोगे मुझे स्क्रीन से तो आपको 6 दिखाई देगा, मुझे 9 दिखाई देगा। शायद आप अपनी ओर से आप सही देख रहे हो, 6 ही है, मेरी ओर से मैं भी सही देख रही हूँ, 9 है। उस तरह से हमें देखना चाहिए भक्तों को, हो सकता है ही इज़ ऑल्सो राइट, शायद मुझे पता नहीं चल रहा, शायद वो भी सही है, मैं भी सही हूँ, उस तरह से नहीं। कभी कभी क्लियरली दिखाई दे रहा है माता जी ही इज़ नॉट राइट, बिल्कुल वो गलत है, तब हमारे मन में सोचना चाहिए ही डज नॉट नो वॉट इज़ राइट, शायद बेचारे को पता नहीं है सही क्या है। उस तरह से हमें उस भक्त के बारे में सोचना, शायद उसको किसी ने बताया ही नहीं, उसको पता नहीं इस चीज़ को ऐसे करनी है। नहीं तो कभी कभी ऐसा सोच सकता है शायद मुझे ही पता नहीं सही क्या है, क्यों मैं अपने आप पे इतना अभिमान करूँ, हालांकि मैं हूँ क्या चीज़। एक शास्त्र में कहा गया है आप एक बाल आप लीजिए, उस बाल के जो टिप होता है उस टिप को 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करिए, उसका एक पार्ट हम है आत्मा, उतना ही है हम, तो क्या मुझे इतना पता है, शायद मुझे पता नहीं सही क्या है, शायद इसका कुछ और होगा, मैं क्यों अपना माथा इसमें मारूं। तो ऐसा करके हमें पीछे चला जाना चाहिए विनयी होकर। नहीं और एक सॉल्यूशन ये है समथिंग एल्स इज़ राइट, शायद कुछ और सही है, शायद ये नहीं, शायद वो नहीं, शायद जो सही है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं या तो अलग वे ऑफ सीइंग इज ठीक है, अगर इसमें ये अवगुण है तो ये अच्छा गुण भी तो है। जिस तरह से वृंदावन में एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब आए तब सारे भक्त उनको प्रणाम कर रहे थे, लेकिन एक भक्त जो है तुलसी में पानी दे रहा था, नया ब्रह्मचारी, बूढ़ा उम्र का था, थोड़ा सा फैट भी था, उसने प्रणाम नहीं किया, तो सारे भक्त उसकी तरफ से इस तरह से देख रहे थे कि देखो कैसा है, प्रभुपाद जी आए हमने तो प्रणाम किया इसने नहीं किया। प्रभुपाद जी लेकिन साथ ही साथ में बोले कितने सुंदर तरीके से तुलसी में पानी दे रहा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। उसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी दिखाना चाह रहे थे कि हमेशा बुरा मत देखो लोगों में, जो अच्छा है उसको देखो, बुरे को इग्नोर करो। तो अभी ऑफकोर्स उसकी एक जेन्यून रीज़न है, प्रणाम नहीं कर पाए, एक तो बूढ़ा है और उसको मतलब मोटा है काफ़ी, तो झुक नहीं पा रहा था। तो उस तरह से जब हमें किसी भक्त में सारे दोष दिख रहे हैं तो अपेरेंटली उसमें अच्छा क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करो। जिस तरह से गोपी परानंदन प्रभु जो गोवर्धन में रहते थे, उन्होंने बहुत सुंदर एक टिप दिया था, उन्होंने कहा कि कभी भी अगर कुछ भक्त में दोष दिखते हैं ना, तो जिस भक्त में आपको दोष दिखते हैं उस भक्त के नाम की डायरी बनाओ, रोज़ सुबह उठ के नहा धो के उस भक्त का कोई भी एक अच्छा गुण सोचो,
क्या है उसमें अच्छा गुण, क्या है उसमें, और उसको लिखो। दूसरा दिन फिर और एक दिन, ऐसा 30 दिन आप एक्सरसाइज करो। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको उस भक्त से प्यार हो जाएगा, अरे बाप रे इसमें इतने सारे गुण हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उस तरह से रोज़ उस भक्त के एक एक अच्छे गुण लिखो, तो उस तरह से आपके धीरे धीरे जो उसके ऊपर अपराध की भावना है वो आपकी कम हो जाएगी। दूसरा चीज़, अगर एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि हिज मोटिवेशन इज़ राइट, शायद वो ऐसा व्यवहार कर रहा है लेकिन बेचारा मन का अच्छा है। जिस तरह से हम देखते सबरी माता जो कर रही थी वो गलत थी, वो भगवान को झूठे बैर खिला रही थी, लेकिन हमने क्या सोचा, प्रेजेंटेशन नहीं देखना है बाबा, उसका मोटिवेशन देखना है, अंदर में उसकी इच्छा क्या थी। वो तो भगवान को मीठे बैर खिलाना चाह रही थी ना, शायद उसको समझ में नहीं आया उसको कैसे करते हैं, तो शायद प्रेजेंटेशन गलत है लेकिन मोटिवेशन तो करेक्ट है ना। तो मोटिवेशन के लिए हमें 100 out of 100 मार्क्स दे देना चाहिए उस भक्त को, कि उसकी इच्छा तो ऐसी जो है किसी को तकलीफ देने की नहीं है, शायद उसको समझ में नहीं आता है कैसे व्यवहार करना है। तो उस तरह से जो है हमें अपराध से दूर रहना है। कभी कभी हमें ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है उसने गलती की है बट द एंड विल बी राइट, शायद अंत में सब भला होगा। जिस तरह से सौबरी मुनि, शायद उसने गरुड़ के ऊपर में वैष्णव अपराध किया लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ और फिर उसने अपनी भक्ति को बढ़ाया और फिर अंत में वो गोलोक धाम चला गया। उस तरह से हम जब देखते हैं कोई भक्त गलती कर भी रहा है तो हमें सोचना चाहिए, अच्छा ठीक है चलो अब इस बार उसने ऐसा कर दिया तो नेक्स्ट टाइम वो केयरफुल रहेगा और नेक्स्ट टाइम वो उस गलती को रिपीट नहीं करेगा, चलो उसको अच्छा लेसन मिल गया। उस तरह से जो है हमें उस भक्त में अपराध नहीं देखनी चाहिए। और एक चीज़ हम कर सकते हैं वो है कि प्रे कर सकते हैं। कभी कभी अगर हम किसी वैष्णव में दोष देख रहे हैं तो उस वैष्णव के लिए भी प्रे करना है और हमारे लिए भी प्रे करना है कि भगवान ठाकुर जी हमें ऐसे किसी में दोष मत दिखाइए। सी एक्चुअली हमें दोष वही दिखते हैं जो दोष हम में है। अगर वो दोष हम में नहीं है तो हम वो दोष किसी में देख ही नहीं सकते। जिस तरह से आज मैं जो भी कंप्यूटर में टाइप करूँगी मेरे स्क्रीन पर वही आएगा। अगर मैं आपके साथ तर्क करूंगी, पता नहीं ऐसा क्यों स्क्रीन में आ रहा है, अरे पता नहीं मतलब आप जो टाइप कर रहे हो वही आएगा, कनेक्टेड है वो। उस तरह से हमें अगर किसी में कोई दोष दिख रहा है मतलब वो दोष हम में है, वो हम में है इसलिए प्रोजेक्ट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर में। अगर वो दोष हम में नहीं है ना तो 10 जन आके बताएंगे ना कि प्रभु जी ये माता जी ऐसा कर रही है या ये प्रभु जी ऐसा कर रही है, बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है, शायद ऐसा होगा, क्योंकि आप में वो दोष नहीं है ना, आपको आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि किसी में वो दोष होगा। सो आप जितने पवित्र हैं उतने लोगों में दोष कम दिखेंगे, लगेगा कि पूरी दुनिया कितनी सुंदर है, सब कितने अच्छे है, किसी में बुरा दिखाई नहीं देगा। तो ये एक है। और दूसरा चीज़ है क्षमा मांग लेना, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली पता नहीं हम कितनी बार, जैसे रूप गोस्वामी की कहानी मैंने बताई मन से अपराध, तो हमें पता नहीं, अब सुनने के बाद हमें डर लगेगा कि पता नहीं ऐसा कितना बार हम अपराध हो जा रहा है। जैसे मंगल आरती के बाद सुबह सुबह हम लोग जैसे आँख बंद करके जप करते हैं, हो सकता है कोई भक्त सोचेगा अरे मुझे हरे कृष्णा भी नहीं बोला, मेरे तरफ देखा नहीं, ऐसे कितने लोग भी मन मन में अपराध ले लेते होंगे हमारे खिलाफ़ या हमारे बारे में। तो इसलिए आप देखिए हम लोग मंगल आरती के बाद क्या करते हैं, वांछा कल्पतरु भयश्च, सब वैष्णव को प्रणाम करते हैं, तब मन में जो है क्षमा मांग लेनी चाहिए। एक्चुअली त्रिनादपि सुनिचे न तरोरिवा सही सुना अमानिना मानदे न कीर्तन्य सदाहरी। कीर्तन्य सदाहरी करना है तो ये सारे गुण होने से ही कीर्तन्य सदाहरी हो सकता है। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है कि सबसे पहले संसार दावा नललीधर लोका, पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर तुलसी महारानी को प्रणाम करो, फिर नरसिंह देव को प्रणाम करो कि मेरी रक्षा करिए, मेरी भक्ति की रक्षा करिए, तुलसी को कहो आप साक्षी रहो, फिर वैष्णवों को प्रणाम करो कि हे वैष्णव सब मेरे ऊपर कृपा करो, उसके बाद हम जप शुरू करते हैं। क्योंकि जो जप शुरू करना मतलब एकदम भगवान के साथ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट, और वो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट के अंदर में जाने से पहले हम सबकी ब्लेसिंग ले लेते हैं, गुरु की ब्लेसिंग, तुलसी महारानी की ब्लेसिंग, नरसिंह देव का प्रोटेक्शन, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम, उनकी कृपा, वैष्णव की कृपा, उसके बाद हम एंटर होते हैं हरिनाम जब हम शुरू करते हैं। तो ये क्षमा मांगना ये बहुत बड़ी बहुत सुंदर, इनफैक्ट जैन धर्म में तो वो लोग
रोज करते हैं प्रतिक्रमण, रोज क्षमा, मतलब एक तो मिच्छामि दुक्कड़म उनका साल में एक बार फेस्टिवल तो मतलब जो होता ही है, पर रोज जो है वो लोग क्षमा मांगते हैं, हर एक जीव से क्षमा मांगते हैं। उसी तरह से हमें भी रोज़ एक रूटीन कर लेना चाहिए हमारी लाइफ में, पति पत्नी को भी रोज़ रात को सोने से पहले एक बार एक दूसरे को प्रणाम कर देना चाहिए। पूरा दिन में पता नहीं कितना मैंने तुमको कुछ बोल दिया, तुमने मुझे बोल दिया, ऐसा चलता रहता है पति पत्नी का, क्षमा कर दो, तुम भी वैष्णव हो मैं भी वैष्णव हूँ। भक्तों को जो आश्रम में रहते, जैसे हम लोग आश्रम में रहते हैं, आश्रम में जहाँ पे आप रहते हो मंदिर में, वहाँ पे जो आप एक दूसरे को, सारे ब्रह्मचारी जो है, सब प्रभु जी से, माता जी से एक दूसरे को प्रणाम करो। जब जब भी आप लोग का गेट टुगेदर होता है, जैसे एंड होता है गेट टुगेदर, पहले एक बार सबको प्रणाम, सॉरी, बस कोई कुछ भी अगर गलती से निकल गया, मन से, बातों से, व्यवहार से अगर मैंने कोई अपराध किया तो क्षमा कर दीजिए, ये बात है। और दूसरे जब हमारे तरफ कोई भी अपराध करते तो हमें सोचना चाहिए, छोटी सी बात है, हम किसी की तरफ अपराध करें तो हमें सोचना चाहिए बड़ी बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे केयरफुल रहना है। सी प्रॉब्लम ये है कि हम जाना चाहते हैं गोलोक वृंदावन, नहीं पर माता जी मैं तो इतना अच्छा बिहेव करता हूँ ना, मैं तो इतना अच्छा, लेकिन वो मेरे साथ, पता नहीं उसको जाना है कि नहीं जाना है। हमें जाना है गोलोक वृंदावन, तो हमें हमारे उस पर काम करना है, हमारी गलती कहाँ हो रही है। बेशक उसकी गलती होगी 99.9, हमारी गलती होगी 0.1, लेकिन हमारी वो 0.1 गलती की वजह से हम गोलोक वृंदावन जा नहीं पा रहे, हम अटके हुए हैं, लेकिन हम उसके 99.9 पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसकी तो 99.9 गलती है माता जी, समझो ना, उसकी तो उसकी तो 99.9 है, लेकिन उसके साथ तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे 0.1 के लिए तुम अटके हुए गोलोक वृंदावन। इसलिए हमें हमारे 0.1 पे ही फोकस करना है कि मेरी क्या गलती थी 0.1, शायद इस वार्तालाप में मुझे पहले क्षमा मांग लेनी चाहिए थी इस डिवोटी से, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो हमेशा हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए, मेरी कहाँ गलती हो रही है, मेरी कहाँ गलती हो रही है। तो ऐसी छोटी छोटी, इनफैक्ट बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो यहाँ पे पॉज करके भक्तों से बातें भी करना चाहूँगी और उनके क्वेश्चंस भी लेना चाहूँगी। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स जो है हमारी जीवन में अगर हम अपनाते हैं तो वैष्णव अपराध को हम धीरे धीरे कम करते हुए पूरा जो है शून्य कर सकते हैं। और हमेशा इस भाव में रहना, गोपी भरतो पद कमलयो दास दासानुदासा, हम सबके दास है। तो उस बात को अपने मन में लेते हुए, सभी वैष्णव का आशीर्वाद लेते हुए मैं यहाँ पे आज ख़त्म करूँगी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप कह रहे हैं कि जब घर के जो बड़े हैं वो जब छोटों को समझाते हैं तो क्या वो भी वैष्णव अपराध है? कभी कभी डांट लगानी पड़ती है, कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा दिखाना पड़ता है, तो क्या वो वैष्णव अपराध है? नहीं, वो वैष्णव अपराध नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि गुरु, पिता, घर के वरिष्ठ, सीनियर्स, मेंटर्स, काउंसलर्स, इन सबको जो है छूट है। वे डांट भी लगा सकते हैं, वे गुस्सा भी दिखा सकते हैं, वे कुछ बात समझाने के लिए जो है कुछ थोड़ा सा क्या है, क्रूरता विल नॉट बी द राइट वर्ड, मेरी हिंदी भी इतनी पुअर है, या थोड़ा कठिन ठीक रहेगा, मतलब कठिन तरह से बात करने से भी उसमें कोई दोष नहीं है। सो ये बात अच्छा है आपने क्लैरिफाई कर दी। नहीं तो सबसे, जहाँ भी वैष्णव अपराध का क्लास होता है ना, उसके बाद इमीडिएटली बच्चे ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि होमवर्क करने बैठो तो बोलते हैं वैष्णव अपराध मत करो, अभी अभी माता जी ने क्या बताया, तो ये मतलब ना एकदम शुरू हो जाता है। और वैष्णव अपराध की क्लास सुनने के बाद ना एक दो दिन तो पूरे घर में ये लगा रहता है, वो वहाँ से किचन से चिल्लाएगी, आप वैष्णव अपराध कर रहे हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ देख लेना आप वैष्णव अपराध कर रहे हो, और वो वहाँ से चिल्लाता है तुम भी वैष्णव अपराध कर रही हो। तो ये तो बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना वैष्णव अपराध की क्लास में, वैष्णव अपराध का क्लास सुनते हैं ना तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि ये सुन रहा हो तो अच्छा है, वो भक्त इस क्लास को सुने तो बहुत अच्छा है, वो सुन ले मेरे पास बैठी है, ये सुन ले मेरे आज पति तो बहुत काम बन जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी वैष्णव अपराध का क्लास इसलिए नहीं सुनता है कि मुझे सुनना है, मैं अपराध ना करूँ, हमें ऐसा लगता है कि बस कोई मेरी तरफ और अपराध मत करो, मैं वैष्णव बस देख लो समझ लो आप लोग सब, ये बात है बस। तो ये नहीं होना चाहिए। जी।
मैं जहाँ तक समझ पाई आपका क्वेश्चन, कभी कभी थोड़ा सा धर्म संकट हो जाता है, जैसे कभी शिक्षा गुरु ने कह दिया कि ये करना है, ये सेवा करना है, लेकिन घर में वो सेवा शायद करने की कोशिश करूँगी तो घर के कुछ और काम रुक जाएंगे, जिससे शायद घर में डिस्टर्बेंस हो जाएगा या पति डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उस टाइम पर किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। तो इसका हमें बहुत फाइन बैलेंस बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और जो हमें सेवा देते हैं उनके साथ भी हमारा एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप रहना चाहिए, जहाँ पे हम खुल के उनको बता सके कि हाँ माता जी ये तो हो पाएगा, शायद ये ना हो पाए क्योंकि घर में ये काम है, तो मैं क्या करूँ। उनसे एक ओपन रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी, जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उनसे भी हम कह पाए कि प्रभु जी ऐसा है, माता जी ऐसा है, शायद इतना कर पाऊँगी, इतना नहीं कर पाऊँगी, तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। ऑल्सो एक तो है हमारा नैमित्तिक धर्म, एक है हमारा नित्य धर्म, एज ए पत्नी आपके कुछ धर्म है, एज ए बेटी आपके कुछ धर्म है, एज ए मदर आपके कुछ धर्म है, तो सब कुछ एक संतुलन जो है बनाए रखना है। तो जस्ट लाइक अभी आपके प्रभु जी जैसे बता रहे थे कि कुछ होता है मॉन्क सन्यासी लोगों का स्टैंडर्ड, ब्रह्मचारी लोगों का स्टैंडर्ड, हर बार गृहस्थ उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारे लाइफ कितने लोगों के साथ में जुड़ी हुई है, हम जो भी करते हैं उससे हमारे बच्चों का, हमारे सास ससुर, हमारे पति सब अफेक्ट होते हैं, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, तो हमें बहुत केयरफुली चलना है। हम ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं है कि हम गुरु ने कह दिया तो बस, अब मैं तो आज 64 राउंड्स करूँगी, अब आपको खाना बनाना है तो बनाओ, आपको कपड़ा धोना, नहीं ऐसे नहीं होगा, सब कुछ संतुलन जो है बनाए रखना है, क्योंकि हमारी एक रोल है हमारा, तो उसको हमें ठीक से पालन करना है। तो जो भी हमारे शिक्षा गुरु, कभी कभी जैसे इस्कॉन में हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है ना, कभी कभी ओवर एंथुजियाज्म भी होता है, जैसे अभी दामोदर महीना आएगा, बस एकदम पागल हो जाते हैं सब, कितने दीप सबको ये करवाना है, या तो कुछ कुछ चीज़ें जो हमें मॉडरेशन में करनी है, जितना हो सके उतना उसको केयरफुली करना है, क्योंकि हमारे घर में भी वैष्णव है और वो भी जप कर रहे हैं, उनकी सेवा करनी भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमें बैलेंस करना है। मैं हर बार जहाँ तक मैं जैसे प्रॉब्लम सुनती हूँ, थोड़ा सा उसमें ही इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि मंदिर से भी बहुत सारी सेवा है और घर में भी है, तो दोनों को ठीक से बैलेंस करना है हमें, तो उसमें कोई अपराध नहीं है अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो सेवा जो आपको दी गई है। सी, अपराध कब होता है? जब आप पर्पसली नहीं करना चाहते हो, आप लेज़ी हो या आप कुछ और काम कर रहे हो, लेकिन आप जेन्यूनली बहुत कुछ कर रहे हो, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। आप बोल सकते हो कि ये मुझसे नहीं हो पाया ये सेवा, क्योंकि ये काम आ गया था, तो इसमें कोई ये नहीं। जस्ट चेक वॉट यू आर डूइंग, क्या कुछ उसके बदले में कुछ मेटेरियलिस्टिक कर रहे हो क्या, वो आप अपना चेक कर लो बस, बाकी ड्यूटीज़ तो इम्पोर्टेंट है। नहीं, आपका प्रश्न है कि कैसे याद रखे जो भी हम पढ़ रहे हैं। याद नहीं रह सकता, ऐसे कैसे याद रहेगा, कितना कुछ है याद करने के लिए, लिखना पड़ेगा, कैसे याद रहेगा, कितना। भागवत में आप प्रथम स्कंद पढ़ते हो, प्रथम स्कंद के 5 चैप्टर के बाद भूल जाते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या हो रहा है, तो बस नोट्स बनानी है और क्या। आप जब भी प्रभुपाद की किताब, भागवत किताब जो भी पढ़ते हैं, साथ में एक नोटबुक और पेन रखिए, पेंसिल रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पर आपको लगता है वहाँ पे मार्क करते रहिए, और कुछ पॉइंट्स अपनी ओन भाषा में नोट्स में लिख दीजिए, जो जैसे कहते हैं ना समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, ये हुआ था और ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे, तो उस तरह से आप कभी भी रिफ़र कर सकते हो। तो पूरा तो याद करना मुश्किल है, पहले लोग सतयुग वगैरह में काफ़ी शार्प थे, एक बार गुरु कहते और उनको हमेशा के लिए याद रह जाता, लेकिन अब तो हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए हमें सब लिखना पड़ता है और उसको रेगुलरली फिर पढ़ते रहने से, जैसे श्लोक वगैरह भी है, रेगुलरली पढ़ते रहने से धीरे धीरे मेमोराइज हो जाते हैं। सो ऑन अ डेली बेसिस जो है आप उसको फिर रिफ़र बैक, जैसे स्कूल की पढ़ाई आप ऐसे ही करते होंगे, आई एम श्योर सारे चैप्टर्स के समरी लिख देते होंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर उसको एक बार पढ़ लेते हो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो फिर याद रह जाता है। उसी तरह से शास्त्र के भी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए। Oh, thank you.
यू। थैंक यू किरण मैम, माता जी सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गार्लैंड एंड फ्रूट्स। आई एम रियली यू नो ओवरवेल्म्ड बाय सो मच ऑफ योर लव एंड अफेक्शन। थैंक यू सो मच। आई होप समडे आई रियली यू नो मेक माई सेल्फ वर्थी ऑफ ऑल द लव एंड अफेक्शन दैट पीपल शो मी। सो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन वॉज आस्ड चैतन्य महाप्रभु, ओ हिंदी में ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया था जब वैष्णव आते थे नवद्वीप से पूरी धाम। तो वे पूछ रहे थे चैतन्य महाप्रभु से, जे चैतन्य महाप्रभु वैष्णव माने कौन। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनकी परिभाषा देते हुए कहा कि वैष्णव मतलब जो एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है वो वैष्णव है। और फिर आने वाले साल फिर से जब भक्त लोग आए नवद्वीप से रथ यात्रा के लिए, तो फिर से यही प्रश्न पूछा कि आप हमेशा कहते हैं कि नाम संकीर्तन एंड वैष्णव सेवा, तो कौन है वैष्णव। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस बार परिभाषा थोड़ी सी बदल दी। उन्होंने कहा कि जो भगवान का नाम सतत करते हैं वो है वैष्णव। फिर तीसरे साल जब भक्त फिर आए रथ यात्रा के लिए नवद्वीप से जगन्नाथपुरी, फिर उन्होंने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु को कि वैष्णव मतलब कौन है। तब चैतन्य महाप्रभु ने इस बार फिर से थोड़ी सी परिभाषा बदल दी और कहा वैष्णव मतलब वो जिनको देखने से तुम्हें कृष्ण की याद आए, जिनको देखने से तुम्हें कृष्ण का नाम जप करने की इच्छा हो। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि कैसे वैष्णव तीन स्तरों में होते हैं। जो प्रथम स्तर में वो वैष्णव है जो अभी अभी नाम लेना सीखे हैं, नाम लेना शुरू किए हैं, वो हमारे लिए वो भी पूजनीय है क्योंकि आगे चल के वो भी तो बड़े वैष्णव बनने वाले हैं। ये अभी वो प्रथम स्तर में है। जिस तरह से एक आम का फल होता है, अगर आम का फल कच्चा भी होता है, कच्चा फल भी आम ही है क्योंकि थोड़े दिन के बाद में वो पक्का होने वाला है और फिर मीठा मीठा जूस निकलने वाला है उसमें से। तो उसी तरह से जो प्रथम अभी ले रहा है वो भी पूजनीय है, और जो सतत भगवान का नाम लेता है सेकेंड स्टेज ऑफ डिवोटी वो भी पूजनीय है, और थर्ड तो वो डिवोटी है जिसको देखने से हमें भगवान का नाम लेने की इच्छा करती है, वो मतलब सर्वश्रेष्ठ के भक्त है जो सबको इंस्पायर करते हैं। तो हमारी डीलिंग भी उनके साथ में अलग अलग लेवल में होनी चाहिए। जैसे रूपा गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि इनके साथ कैसा डील करना चाहिए। जो हमसे भक्ति में नए हैं उन्हें अफेक्शन दीजिए, जो हमारे भक्ति में हमारे स्तर के हैं उनका एसोसिएशन लीजिए, जो भक्ति में हमसे ऊपर है उनकी सेवा करिए। ऐसा अलग अलग भक्तों से हमें अलग अलग तरीके से डील करना है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब कोई भक्त हमें दिखाई देता है जो अभी अभी जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया है, एक माला जप किया है, अगर आप कल को जाके उसे प्रणाम करोगे तो क्या होगा, फिर वो भक्ति में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि फिर उसको अभिमान आने लगेगा कि मैं एक माला करता हूँ, ये सब साहब आके मुझे प्रणाम कर रहे हैं। फिर उसको अहंकार आ सकता है, फिर उसका कुछ उसका पतन हो सकता है, उसे डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम मन से तो उनको रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन फिजिकली जाके उन्हें प्रणाम नहीं करेंगे। जो एक माला कर रहा है, जो अभी नया नया आया है भक्ति में, जो अभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, जिस तरह से भगवान को भोग नहीं धराते हैं, कुछ कुछ नियम का पालन करते, कुछ कुछ नहीं भी करते, उनको हम मानसिक रूप से प्रणाम करते, हमारे मन में उनको हम प्रणाम करते हैं। जो सतत भगवान का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं परस्पर। वो भक्त हमें प्रणाम करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, वैष्णव वांछा कल्प करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करते हैं, ये एक डीलिंग है। और जो भक्त वरिष्ठ है, हमसे सीनियर है, उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं,
उनसे प्रश्न, क्या कहते हैं ना, तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्ने न सेवाया, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनका उनको हमारी मन की बातें बताते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स या गिफ्ट लेते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनका उद्दिष्ट लेते हैं, उस तरह से वैष्णव के साथ हम डीलिंग करते हैं। तो अलग अलग लेवल में जैसे भक्त है उस तरह से हम उस लेवल पर हमें डील करना चाहिए। जिसके साथ रहने से हमें ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसे लोगों का ज़्यादा संग करें, जिनके साथ बात करने से आज और भी अच्छे से माला करने का दिल करता है, मतलब समझ लीजिए वो एसोसिएशन हमारे लिए अच्छा है। कभी कभी कुछ भक्तों से बात करने के बाद में मन में ज़्यादा संदेह आ जाते हैं और भक्ति करने का दिल नहीं करता, ऐसे भक्तों से थोड़ा दूर रहना। हरे कृष्णा। अच्युत चेतना माता जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। आपने दो प्रश्न पूछे, तो पहला प्रश्न आपका ये है कि अगर ऑलरेडी वैष्णव अपराध कर चुके हैं तो क्या करें। तो उस वैष्णव के बारे में जिनके बारे में आपने निंदा सुनी है, उनको क्षमा मांगिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आपने उनकी निंदा की है, क्योंकि आपने तो कुछ बोला नहीं है, आपने केवल सुना है। तो आप जो है उनको मन से क्षमा मांग लीजिए और उनकी सेवा कर दीजिए, कोई भी रूप से, किसी भी तरह से, जिस तरह से वो, मैं जैसे बता रही थी मुकुंद दत्त ने क्या कहा गदाधर पंडित से, कि क्योंकि तुमने मन से जो है उनकी उनकी निंदा की है मन में, तो अब तुम जो है उनसे दीक्षा लो और उनकी सेवा करो। तो उस तरह से जिस भी वैष्णव की निंदा आपने सुनी है, कोई भी तरीके से उनकी कोई सेवा कर दीजिए, कुछ प्रसाद बना के उनको पहुँचा दीजिए, या कभी अगर मंदिर में वो बैठे हो तो उनको प्रसाद सेवा कर दीजिए, ऐसा कुछ भी करिए। तो जो है उस तरह से, क्योंकि आप अगर आपने मुँह से बोला है, जैसे कहते हैं ना कि जिस मुँह से विष को पिया है उस मुँह से अमृत पी लेना चाहिए, जिस मुँह से वैष्णव की निंदा की है उस मुँह से वैष्णव को ग्लोरीफाई करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। लेकिन आपने कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, आपने सुना है, तो इसलिए मन से सुना है, तो मन से जो है आप उनको क्षमा मांग लीजिए और कोई ना कोई रूप से उनकी सेवा कर दीजिए। यहाँ पे हो गया। रही बात बच्चों को डांटने की, अब ऐसा है चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र के सपने में आए थे और उनको कह रहे थे कि देखो तुम्हारा बेटा जो है वे साक्षात भगवान है, तो तुम उसे इतना डांटो मत। तो फिर जगन्नाथ मिश्र जो है वो कहते हैं कि मेरा बेटा भगवान हो या भगवान का बाप भी हो, मैं तो डांटूंगा, क्योंकि मैं उसका पिता हूँ और मुझे उसको शिक्षा देनी है, वो बहुत बदमाशी कर रहा है। तो ये भाव है, बेशक हमारे बच्चे प्योर डिवोटीज़ हो या भगवान के नित्य पार्षद भी हो, फिर भी क्योंकि इस जन्म में हमारे बच्चे हैं तो हमें उन्हें डांटना तो पड़ेगा, नहीं तो उनको मतलब सही मार्ग दिखाना तो पड़ेगा। ये आपका रोल है। ओनली थिंग इज़ आप उसको इस तरह से करती हो कि मुझे ये रोल दिया गया है। जिस तरह से यशोदा माता भगवान दामोदर को बांधती है ना, डांटती भी है, कान भी खींचती है, वो भगवान है फिर भी तो उनको बांधी है कि तुम इतनी बदमाशी क्यों कर रहे हो। तो
अब यहाँ भगवान के शुद्ध भक्त भी क्यों ना हो वो, फिर भी आपका रोल एज ए मदर जो है आपको ज़रूर उन्हें जो है क्या कहते हैं डिसिप्लिन करना है, या जहाँ जरूरी सी माता पिता तो कोई दुश्मन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत मज़ा आता है कि अरे वाह आज तो ऐसा मारा मैंने बच्चों को, मज़ा आ गया एकदम, ऐसा तो कुछ नहीं, आपको उसमें मज़ा नहीं आता है। या मैं एट द सेम टाइम मैं आपको एंकरेज नहीं कर रही हूँ कि बच्चों को मारना चाहिए, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि जब हम बच्चों को डांटते हैं तो भी हमें अच्छा नहीं लगता, सबसे ज़्यादा बुरा तो हमें ही लगता है जब हम बच्चों को डांटते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, अंदर से शायद गुस्सा नहीं है बट थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ता है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ मैं स्कूल चलाती हूँ यहाँ पे डिवाइन टच, तो स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते कभी कभी टीचर ना ऐसे बच्चों को लेके आ जाती है मेरे रूम में, तो देखिए ना मैडम ये इतना दिन से होमवर्क सबमिट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा एकदम करके, मतलब ऑफकोर्स समहाउ मेरे स्कूल में मेरे बच्चे कोई भी मुझसे डरते नहीं है, ये मेरी दुख भरी कहानी किसको बताए, तो मुझसे कोई नहीं डरता हमारे स्कूल में, तो सारे टीचर से डरते हैं, इनफैक्ट हमारे बच्चे ऐसे बदमाश है टीचर को बोलते हैं कि प्रिंसिपल मैडम के रूम में ले जाओगे, ले जाओ मुझे भी ले जाओ, ऐसे कहते हैं वो लोग, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है मेरे रूम में आना और बच्चे एकदम मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, तो ये एक अलग स्टोरी है मेरे लाइफ की, बट एनीवे तो ऐसा है कभी कभी जैसे ऐसा कर सकते हैं हम, तो उसमें कोई मुझे उनसे कोई ये नहीं है, बट थोड़ा सा जो है दिखाना पड़ता है कभी कभी, और क्या, तो कोई गलत नहीं है अगर आप बच्चों को जैसे ना थोड़ा कभी डांट लगा देते हो या थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हो, ये आपका रोल है एज ए मदर, और इसमें ये वैष्णव अपराध वाली बात तो कहीं नहीं आती इसमें, बच्चे और माँ बाप के बीच में तो ये बिल्कुल नहीं आती, ये रिश्ता ही इतना सुंदर और इतना प्रेम भरा, और आप बस अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो, उन्हें अच्छे मार्ग में ले जाना चाहते हो, तो इसमें आपका कोई बिल्कुल कोई दोष नहीं है। एट द सेम टाइम मारने की बात यूजुअली जैसे बच्चों को एक अलग क्लास है एक्चुअली पेरेंटिंग का, कि किस तरह से बच्चों से डील किया जाए और क्यों उन्हें नहीं मारना चाहिए, ये एक अलग सेक्शन है, वैष्णव अपराध के साथ ये बात जुड़ी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, क्या करने से बच्चे कैसे कभी कभी जैसे अडामेंट हो जाते हैं ना, कभी और भी जैसे एग्रेसिव हो जाते हैं जब हम उन्हें फिजिकली मारते हैं, ये एक साइकोलॉजी क्लास है, ये अलग है, ये कभी और किसी दिन इस पर बात करेंगे। तो इसके बारे में मैं बता चुकी ना कि रूपा गोस्वामी कहते हैं ना अलग लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग स्तर में हमें डील करना चाहिए, तो जो अभक्त है उनसे हमें दूर रहना चाहिए, और जो हमसे सीनियर है उनकी सेवा करनी चाहिए, जो हमसे समान है उनका संग करना चाहिए, जो हमसे नीचे है उनको प्यार देना चाहिए, तो ये रूपा गोस्वामी ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो जो अभक्त है उनको संग देना चाहिए, उनसे संग लेना नहीं चाहिए, मतलब हम उनको किताब दें, हम उनको प्रसाद दें, हम उनसे कृष्ण की दो चार बातें करें, बट उनसे ज़्यादा से संग करना मतलब किसी को देखना या किसी के साथ डे टू डे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम करते, जैसे उनका टेबल हमारे पास है, हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे सामने कोई टेबल है, तो इसमें संग करना नहीं हुआ, संग करना तब होता है जब आप आकर्षित होते हो उनके संग करने के लिए, रोज़ सुबह नहा धो के आप इंतज़ार कर रहे हो कि मैं कब जाऊँगा ऑफिस में, कब मिलूँगा इनसे, मैं कब बातें करूँगा, तो ये अटैचमेंट हो रही है आपको नॉन डिवोटीज से, लेकिन डे टू डे आप अपने लाइफ में उनके साथ काम करना है, फाइल देनी है लेनी है, तो उसमें कोई नहीं है। कहते हैं ना कि व्हेन यू शेयर योर थॉट्स, आप अपने मन की बात शेयर करते हो, वो अपने मन की बात शेयर करते हैं, आप उनको गिफ्ट देते हो वो आपको गिफ्ट देते हैं, आप अपने घर में उनको बुलाते हो खाने पर वो आपको बुलाते हैं, तो ये है एसोसिएशन, उससे दूर रहिए, बाकी रोज़मर्रा बात करनी है, ये फाइल हो गई क्या, ये हो गया क्या, इसको देना है इसको, तो ये तो एसोसिएशन नहीं है, तो आप डे टू डे आपको काम तो करना पड़ेगा, हम रह रहे हैं जब संसार में, तो दैट इज़ नॉट एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ये सिक्स थिंग्स होनी चाहिए तब एसोसिएशन है, और आप अपने आप से चेक भी कर सकते हो कि क्या आप उनसे अटैच्ड हो रहे हो, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या उनके साथ में बहुत आप एंजॉय कर रहे हो, क्या एसोसिएशन अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्या, तब आप अपने आप को कॉशन करो, बाकी डे टू डे तो कितने लोगों से डील करना पड़ता है, ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से, बस वाले से, कितने कितने लोगों को आप मिलते रहते हो, तो ये कोई एसोसिएशन नहीं है। ओके, मुझे जैसे आपके प्रश्न समझ में आया, आप कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हुए भी बुरा विचार किसी के बारे में आ ही जाता है कि ये भक्त ऐसा है या ये पर्सन ऐसा है, और उसके बाद में मन को कैसे भी मना लेते हैं, लेकिन विचार तो आता है। हाँ, विचार तो आता है,
पर धीरे धीरे उस विचार आने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे और रेगुलरली प्रे करेंगे, हमारी साधना को ठीक से आगे बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे पास में समय भी नहीं रहेगा किसी के बारे में ज़्यादा विचार करने के लिए. वी शुड गेट सो बिजी विथ आवर ओन सेल्फ कि हमें किसी और के लिए समय भी ना हो. जिस तरह से वो साइंस में एक्सपेरिमेंट कराते थे हमको स्कूल में 9th 10th क्लास में, वो पानी के बीकर में नमक डालो, फिर नमक को मिलाओ, फिर थोड़ा और नमक डालो, फिर थोड़ा और नमक डालो, फिर एक पॉइंट में सैचुरेशन हो जाता है और नमक डाल ही नहीं सकते. उस तरह से हमारे जीवन को इतना कृष्णमयी बना देना चाहिए, सेवा का, साधना का, वांछन का, स्वाध्याय का, कि हमें किसी और के बारे में सोचने का भी समय नहीं होना चाहिए. इतना बिजी हो जाएंगे हम, वी डोंट इवन हैव टाइम टू थिंक. जैसे मैंने अपने निजी जीवन में देखा है, मैं बहुत अलग अलग भक्तों से एसोसिएट करती हूँ, तो कभी कभी मैं देखती हूँ जैसे जो भक्त एकदम सेवा में बिजी है ना, उनको पता भी नहीं होता है कि मंदिर में क्या चल रहा है, किसने किसको क्या कहा. और कुछ कुछ ऐसे कैटेगरी के भक्त होते हैं, उन्हें हर वक्त पता है कि इसने इसकी साड़ी के बारे में क्या कहा, उसने उसके घर के हाउस प्रोग्राम के रसगुल्ला के बारे में क्या कहा, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास में. और किसी किसी भक्त को अगर आप पूछो भी तो पता है, अच्छा ऐसा हुआ था क्या, पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो ट्रांसलेशन में था, अच्छा मुझे तो पता नहीं, मैं तो इसमें था. क्योंकि इतना ज़्यादा सेवा में बिजी है, उनको पता नहीं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको अपना ही चिंता है, मेरे 16 माला, मेरा आज का भागवत स्टडी और मेरे को ये सेवा दिया था. तो ऐसा हमारी लाइफ को हमें ऐसी बिजी रखनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है. अगर मन में सोचने की इच्छा भी हो रही है कि थोड़ा सा मैं सुन लूँ गॉसिप क्या हो रहा है, लेकिन समय नहीं है सुनने के लिए, तो ऐसी हमारी लाइफ को बना देनी चाहिए. और हम ज़्यादातर अगर कृष्ण लीला में, भागवत में लीन हो जाने से ऐसे विचार के लिए भी स्पेस ही नहीं रहेगी. यू आर सो बिजी थिंकिंग अबाउट कृष्ण, देयर इज़ नो स्पेस टू थिंक अबाउट एनीबडी एल्स, ऐसा हो जाएगा. ओके, कितने हैंड्स रेज है बताइए टोटल. क्विक शॉर्ट आंसर चलेंगे तो तीनों के तीनों ले लेंगे. सी, आपका क्वेश्चन है कि जब हम भक्ति में नए नए आते हैं, शायद हम ये जो कर रहे हैं हमें पता भी नहीं कि इसको अपराध कहते हैं, हमें ये अपराध वर्ड भी हमें पता नहीं था, तब हमने शायद बहुत सारे अपराध कर दिए हो, तो क्या ये अपराध में आ जाएगा. सी, अपराध इज़ मोर ऑफ इंटेंशनल. जैसे अगर आपको जब पता नहीं होता है, यूजुअली अपराध नहीं करते, पाप ही ज़्यादा होता है शुरुआती स्टेज में. ये अपराध तो तभी आता है जब ना पाप बंद हो जाते हैं, और फिर अपने आप को जब हम जो है हमारे अहंकार बढ़ जाता है, फिर दूसरों को जो हम नीचा देखने लगते हैं, फिर दूसरों में दोष देखते हैं. एक्चुअली शुरुआत में बहुत कम होता है ऐसा. शुरुआत में तो जब हम नए नए इंस्कॉन मंदिर में आते हैं तो हमें लगता है कि सब शुद्ध भक्त है, बस मैं ही एक गधा हूँ यहाँ पर, ऐसा लगता है. जैसे हम देखते हैं ना भक्तों को, ये कितना सुंदर गा रहा है, ये कितना सुंदर बोल रहा है, ये कितना सुंदर कर रहा है, सब को देखने से प्यार आता है. बस वो 1-2 साल तक वो जो है वो हनीमून पीरियड बोलते हैं ना, वो चलता है, उसके बाद शुरू हो जाता है ये क्या गाता है. गाता तो है पर प्रसाद खाता है, तब देखा इतना रॉइस लेता है, ये क्या, ये करता तो है पर पीछे है ना, उसका घर में तो बिल्कुल सफाई नहीं, घर में तो सब यहाँ वहाँ कचरा पड़ा रहता है. तो ये तब बाद में शुरू होता है ये सारा जो है ना, ये बात का होता है. तो शुरू में तो 90% ऐसा नहीं होता, 10% अगर ऐसा हो, सी एक्चुअली शुरू में ऐसा होगा तो भक्ति में आ भी नहीं पाएंगे. अगर शुरू में आपको सब में दोष देखेंगे तो आपको आकर्षण ही नहीं होगा भक्ति की ओर, कि चलो अच्छा लग. अगर शुरू में ही आपको लगता है कि ये बेकार है वो बेकार है, तो फिर आप शायद भक्ति में आओगे नहीं. आपको सब अच्छा लगता है फिर तो आप आने लगते हो भक्ति में. उसके बाद धीरे धीरे जो है हम अपने आप को जो है क्या कहते हैं ना, प्रभु से महाप्रभु बन जाते हैं हम धीरे धीरे, और फिर हमें सब में जो है दोष लगता है, दोष दिखाई देता है. और अनजाने में किए हुए ऐसी, सबका अपना अपना लेवल है भगवान किस तरह से उसको. अब आप देखिए जगाई मधाई को ही देख लो, कितने पाप किए थे फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया. तो कितना डीप ग्राउंडेड है वो भगवान चेक करते हैं, कहाँ से निकल रहा है ये जो आपकी भावना है. कुछ पूर्व से है तो उसका थोड़ा लेस अफेक्ट होता है, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होती कुछ चीज़ें, आप पूर्व का बैगेज कैरी करके आते हो, तो भगवान आपको काफ़ी स्पेस देते हैं इम्प्रूव करने के लिए. तो उसमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब से समझ में आ गया बस तब से भी अगर हम सीरियस हो जाए ना, तो बस बाकी का ठाकुर जी देख लेंगे. ठाकुर जी का कैलकुलेशन को कोई नहीं समझ सकता, कोई भी आपको ना पूरा मैथ्स गणित बोलते ना, वो बना के नहीं दिखा सकता आपको, जे आपने ये किया तो उसका आपका ये होगा, कोई नहीं बना सकता इस दुनिया में. क्योंकि ठाकुर जी की मैथ्स बिल्कुल अलग मैथ्स है. यहाँ की कितने भी आपकी IIT की मैथ्स हो, कुछ भी काम नहीं आती. सडनली कभी कभी किसी के 100 गुण माफ़,
कभी कभी किसी का एक गुण भी, एक दोष भी माफ़ नहीं करेंगे, और कभी कभी किसी का 100 दोष माफ़ कर देते हैं। तो हम देखते हैं ना, शिशुपाल के 100 दोष भगवान ने माफ़ किए, अंत में उसको ये किया। और छोटा हरिदास चैतन्य चरितामृत में देखते, छोटी सी गलती, शायद इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी, लेकिन उसको माफ़ भी नहीं किया। और जब पता चला कि छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर ली, तो महाप्रभु ने कहा अच्छा किया, करना ही चाहिए था आत्महत्या। तो कभी कभी लगता है ये क्या हो रहा है, ये तो पतित पावन है, ये तो सबका उद्धार करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट है। तो भगवान का कैलकुलेशन कोई नहीं समझता। तो जो हो गया है उसकी चिंता मत करो, अब नहीं होना चाहिए, बस हमें उसकी ही चिंता करनी चाहिए। पूर्व में जो हुआ उसके बारे में और नहीं सोचते हुए आगे बढ़ना है। और पूर्व में अगर किसी भक्त का दोष देखा भी है, तो सबसे क्षमा मांगो, सबकी सेवा करो, और अपना साधना आगे बढ़ाओ, वैष्णव सेवा करो, बस दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन। जो आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा हो, जब थकान लगती है तो क्या है वो, ग्लूकॉन डी पियो, जान में जान। हम जब छोटे थे तब ये एडवर्टाइजमेंट बहुत हम देखते थे, जान में जान ला दे पीते ही ग्लूकॉन डी, ऐसा आता है ना, शरीर में शक्ति नहीं तो ग्लूकॉन डी पियो। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में शक्ति चाहिए, भागवतम पढ़ो, बस ये जान में जान ला दे। एकदम जैसे डल हो जाता है जब, फिर जैसे भागवतम पढ़ते हैं, क्लास सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर से करने का दिल करता है। संग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जिसके साथ संग करते हो वैसा रंग 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 में रंग जाते हो। अच्छा संग करोगे अपने आप से दिल करेगा। शायद अगर भक्तों का संग, शायद अगर घर में ऐसा परिवेश नहीं है, तो ऑनलाइन या ऐसे कोई डिवोटी फ्रेंड, कोई माताजी या किसी के साथ, जैसे रेगुलरली आपने कितना चैंटिंग किया, मैंने कितना चैंटिंग किया, ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, कोई बड़ी बड़ी ग्रुप है, तो ऐसा कुछ बना दो जहाँ पर आप साधना पोस्ट करते हो, तो जहाँ पे आपको लगेगा अरे मुझे पोस्ट करना है, बस। तो संग ही है संग। आप प्रभुपाद कहते हैं ना, शराबी बनना चाहते हैं तो शराबियों के साथ रहोगे तो अपने आप भी एक दिन पीना शुरू कर दोगे। भक्तों के साथ रहने से भक्ति अपने आप बढ़ती है। और शास्त्र अध्ययन, श्रीमद् भागवतम रेगुलरली पढ़ने से या सुनने से अपने आप इच्छा करती है। जैसे ऐसा आपको नहीं लगता, जैसे आप कभी कभी जैसे क्लास सुनते हो, कोई भी एक क्लास एक घंटा के लिए, तो फिर एक दो दिन तक उसका एक ये रहता है, एनेस्थीशिया जैसे काम करता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर से डाउन जाएगा, फिर से कुछ सुनना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ग्लूकॉन डी का एग्जांपल दिया कि बस थोड़ा थोड़ा रोज़ मिला के पीना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जो है, फिर एक दिन ऐसा स्टेबल आ जाता है कि आप माला करना नहीं छोड़ोगे। लेकिन फिर भी भागवतम पढ़ना तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। जो कोई उत्तम भक्त भी हो जाए तो भी उसको जो है ये रेगुलरली मतलब पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी किसी का भी डाउनफॉल हो सकता है। जो भरत महाराज तो कहाँ बड़े स्टेज पे चले गए थे, भाव प्रेमा, फिर भी हिरण के ऊपर में आसक्ति हो गई। क्यों? भक्तों का संग नहीं था। क्यों? गुरु नहीं थे वहाँ पे। भक्तों के संग नहीं होने से किसी का भी डाउनफॉल हो सकता है। कोई बड़ी सी बड़ी स्टेज पे भी चला जाए तो भी डाउनफॉल हो सकता है। भक्तों का संग मत छोड़िए। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा लगे, सब कृष्णा।